हेलो बच्चों मेरा नाम है अभिनव पाठक और मैं लेकर आया हूं आपके पास क्लास टेंथ का अगला वन शॉट है जिसका नाम है समांतर श्रेणी ठीक है लेक्चर अगर आप चैप्टर देखेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से तो चैप्टर नंबर अपना फाइव है और बेहद आसान चैप्टर है बहुत सिंपल चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है क्योंकि सिंपल इसमें केवल तीन ही फार्मूले हैं पूरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो पूरे चैप्टर में केवल तीन फार्मूले हैं उसी को हमें अलग अलग प्रकार से उपयोग करके सारे क्वेश्चंस को हल करना है ठीक है तो इसी चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमने काफी पिछले वन शॉट सारे कवर कर लिए हैं आशा है कि आप लोग जो भी वन शॉट लोग ले रहे हो वो सारे वन शॉट जो मैं पिछले दे रहा हूं वो सब टाइम से आप कंप्लीट कर रहे हो और मुझे क्लास के लास्ट में जरूर कमेंट करके बताया करो कि आपको ये वन शॉट कैसा लगा ठीक है जब भी आप क्लास खत्म किया करो तो क्लास को एंड होने के क्लास के बीच में कमेंट नहीं करो कोई दिक्कत नहीं पूरी क्लास आप कंटिन्यूस देखो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वैसे भी मैं कमेंट का अभी रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड है ये जो भी वन शॉट चल रहा है अभी ठीक है लाइव हम लोग मिलते ही है बृहस्पतिवार को एवरी हम लोग थर्सडे को लाइव मिलते ही हैं तो फिर जो भी आपको क्वेश्चन वैसे रहते हैं वो आप वहाँ पर पूछ सकते हो वहाँ पर हम आपको रिप्लाई करेंगे ठीक है क्योंकि हम लाइव होंगे वहाँ पर लेकिन अभी फिलहाल में जब भी आप रिकॉर्डेड कोई क्लास देखा करो तो आप बस आराम से अपना फोन रख दो चैट को ऑफ कर दो फोन की स्क्रीन पे आपके पास इस बोर्ड की स्क्रीन चलनी चाहिए बाकी कमेंट की कोई बात नहीं होनी चाहिए ठीक है और उसी के अकॉर्डिंग आप आराम से बैठ जाओ ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होते सारे टेंथ के जितने भी लेक्चर मैंने वन शॉर्ट बनाए हैं चैप्टर सारे छोटे छोटे हैं वन आवर से एक घंटे दस मिनट की बात होती है एक घंटे दस मिनट पंद्रह मिनट में लेक्चर निपट जाता है ठीक कुछ लेक्चर हैं जिनको हम डेढ़ दो घंटे लग सकते हैं बाकी सभी चैप्टर्स ऐसा होगा कि एक घंटे में खत्म हो जाएंगे तो आप प्रॉपर बस कुछ ना किया एक शांत जगह बैठ कर अपना बॉटल रख ली पानी आने की जो आपको पीना है ठीक है पानी रख लिया और अपनी स्क्रीन पर सीधा बस आपने लेक्चर लगाया और अपने पूरा प्रॉपर विधिवत उसका वन शॉट कंप्लीट किया कॉपी लेके बैठे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते गए जिसको आता है अच्छी बात है अगर नहीं आता है तो पहले क्वेश्चन को समझा फिर सॉल्व किया ठीक है कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपको पूरे चैप्टर का रिविजन हो जाएगा यह बात की गारंटी मेरी है ठीक है आपने पिछले वन 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 शॉट शॉट जो हुए हैं उससे आप लगा सकते हो जिसने नहीं देखे वनसौर्ट वनसौर्ट पहले कंप्लीट कर लो बहुत आसान चैप्टर है कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे ये चैप्टर एकदम यूनिक है ऐसा कुछ नहीं कि इसका कहीं पहले से लेना देना है नया चैप्टर है स्टार्टिंग से बेसिक से समझना है इसी की बात हम करेंगे तो समांतर श्रेणी की हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर इसे एपी भी लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं तो इस वजह से इसे एपी भी बोल देते हैं कि एपी की बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी की ठीक है तो इसमें बेसिक हमें तीन चीजें पढ़नी है तीन चीजें मतलब कि तीन एक्सरसाइज है हमारे पास पहली एक्सरसाइज है फाइव पॉइंट वन जिसमें केवल समांतर श्रेणी के बारे में परिचय हमें दिया गया है कि आखिर समांतर श्रेणी होती क्या है क्या चीज़ है किस प्रकार की श्रेणी जिसमें छोटी छोटी चीजें हमें सीखनी है प्रथम पद क्या होता है सार्वान्तर क्या होता है इनकी हम यहाँ पर बात करेंगे फाइव पॉइंट वन में दूसरी चीज अगर हम बात करें दूसरा जो टॉपिक है हम लोगों का वो है समांतर श्रेणी का एनवा पद जो हम फाइव पॉइंट टू में सीखेंगे इसको एनवा पद बोलते हैं कभी कभी अंतिम पद भी बोल देते हैं अंतिम पद और एनवा पद दोनों बातों का मतलब एक है इसे हम ए एन से दर्शाते हैं तो ए एन के बारे में चर्चा करेंगे ठीक है तीसरी एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री है जहां पर हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के एन पदों के योगफल के बारे में 5.3 में इसे हम एस एन से लिखते हैं एस मतलब एस मतलब सम जोड़ना उसी की वजह से नीचे एन लिख देते हैं छोटा सा कि एन पदों का हम योगफल कर रहे हैं ठीक है एन पदों का योगफल निकालना यहां पर सीखेंगे इन दोनों से तो छोटे क्वेश्चन बनते हैं 5.1 में इसमें भी आराम से मीडियम टाइप के क्वेश्चन होते हैं आराम से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं सब सॉल्व हो जाते हैं इससे एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है तो ये तीनों एक्सरसाइजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोरिंग है और बहुत आसान है आप वन से पूरा चैप्टर वन शॉट आप कंप्लीट करिए गारंटी है मेरी कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा जो चीजें चीजें नहीं भी आती भी आती होंगी वो सब समझ में आ जाएंगी ठीक है तो बिना किसी देरी के कि हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को ठीक है सबसे पहले चलते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है इसका मतलब क्या है ठीक मैं कुछ श्रेणियां पहले लिखता हूं ध्यान से देखो आ, बोर्ड की तरफ कुछ नहीं बात करोगे सब लोग ध्यान से देखोगे ध्यान से ये देखो कि मैं कुछ श्रेणियां लिख रहा हूं क्योंकि श्रेणी का मतलब क्या है मतलब श्रेणी का मतलब ये है कुछ संख्याओं का पैटर्न होगा संख्याओं का फिक्स पैटर्न होता है अनंत प्रकार की श्रेणियां होती हैं उन श्रेणियों को मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं जैसे कि अभी समांतर श्रेणी की बात नहीं कर रहा अभी मैं केवल श्रेणी की बात कर रहा हूं इसमें लास्ट में जो लिखा जैसे मैंने पहली श्रेणी वालों लिखी मैंने लिखा दो चार आठ सोलह बत्तीस डैश 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 ऐसे चल रही है ठीक ध्यान से देखो अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी दूसरी श्रेणी मैंने लिखी तीन पाँच सात ये छोड़ो तीन नौ फिर बारा, फिर मैंने पंद्रह फिर मैंने अठारह डैश 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 ये लिखी ठीक एक श्रेणी और मैं लिख रहा हूँ मान लो एक श्रेणी मैंने लिखी दो या एक से ले तो एक चार नौ सोलह सोलह के बाद पच्चीस पच्चीस के बाद छत्तीस डैश 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 मैंने यहां पर एग्जाम्पल के लिए तीन श्रेणियां हैं श्रेणी का मतलब क्या है संख्याओं का कुछ फिक्स पैटर्न चल रहा कुछ संख्याएं मैंने लगातार ऐसे लिख दिए क्रम में कुछ संख्याएं लिख रही इनमें कुछ आपस में एक प्रकार से संख्याएं जुड़ी हैं किसी फिक्स पैटर्न के माध्यम से कैसा फिक्स पैटर्न के माध्यम से पहली पहली सीरीज को देखो सब लोग ध्यान से पहले दो लिखा फिर चार लिखा फिर आठ फिर सोलह फिर बत्तीस दो से अगर हमें चार पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे अगर दो से हमें चार जाना है मान लो तो दो में अगर हम दो से गुणा कर दें तो दो दूना चार हो जाएगा ऐसे ही चार में हम दो से गुणा कर दें तो आठ हो जाएगा ऐसे ही आठ में हम दो से गुणा कर दें तो सोलह हो जाएगा सोलह में दो से गुणा कर दें तो बत्तीस हो जाएगा एक प्रकार से यहां से यह चीज समझ में आई कि यह जो पैटर्न बढ़ रहा है यह फिक्स संख्याएं जो आपस में आगे की तरफ बढ़ रही हैं वो दो से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है सोलह दूना बत्तीस अगर हमें अगली संख्या बतानी होगी तो हम नहीं बता सकते कि बत्तीस दूना आगे चौसठ आगा मतलब कि अगर हम कुछ पैटर्न लिख दें छोटा सा और उसके बाद हम आगे की संख्या पूछे तो कुछ चार संख्याएं देख पांचवी संख्या तुम अपने मन से बता दो तो उस प्रकार की हमने यहां पर एक सीरीज लिखी कि सब में दो से गुणा हो रहा है अगली वाली पर अगली वाली की बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो तीन में अगर हम तीन जोड़ दें तो हमें देख मिल जाएगा छ में अगर हम तीन जोड़ दें तो नौ मिल जाएगा में अगर हम तीन जोड़ दें तो अठारह मिल जाएगा ऐसे ही आगे वाला पद हम लिख सकते हैं कि अठारह में अगर तीन जोड़ देंगे तो इक्कीस अगला पद हमें मिल जाएगा कुछ इस प्रकार का पैटर्न चल रहा है जैसे यहां पर दो से गुणा होने वाला चल रहा था यहाँ पर तीन से जोड़ने वाला चल रहा है इसमें देखो तो कुछ ना जुड़ रहा है ना गुणा हो रहा है देखो को अगर हम चार का गुणा करेंगे तो एक चौकू चार तो मिल जाएगा लेकिन चार से दोबारा गुणा करेंगे तो नौ नहीं मिलेगा। इसमें कुछ नहीं ऐसा चल रहा है या फिर हम एक में तीन जोड़ा तो चार मिल गया चार में तीन जोड़ेंगे तो सात मिलना चाहिए लेकिन यहाँ लिखा है मतलब कुछ फिक्स पैटर्न जुड़ भी नहीं रहा है कोई फिक्स पैटर्न घट भी नहीं रहा है और ना ही कुछ गुणा हो रहा है दिख रहा है ना क्योंकि यहाँ पर सेम संख्या से ही जुड़ रही है सेम संख्या ही गुणा हो रही है यहाँ पर एक फिक्स पैटर्न क्या है यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है एक का स्क्वायर ये दो का स्क्वायर है ये तीन का स्क्वायर है ये चार का स्क्वायर है ये पांच का स्क्वायर है ये छह का स्क्वायर पैटर्न क्या चल रहा है वर्ग का पैटर्न चल रहा है सोलह पांच का स्क्वायर पच्चीस छ का स्क्वायर छत्तीस ऐसे सात का स्क्वायर उनचास आठ का चौसठ ये फिक्स पैटर्न यहां पर चल रहा है तो यहां पर पैटर्न कैसा था कुछ वर्ग होने का पैटर्न चल रहा था यहां पर क्या था कुछ जुड़ रहा था यहाँ पर क्या था कुछ गुणा हो रहा था तो ये अलग अलग प्रकार की ऐसे अनंत श्रेणियां लिखी जा सकती हैं। ये बेसिक सी बात हो गई श्रेणी के बारे में लेकिन हमारे काम की कौन है हमारे काम की ये वाली श्रेणी है जिसे हम ए बोलते हैं समांतर श्रेणी क्योंकि समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो समान होता है समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर

ये है एक एक ये ऐसी और भी हो सकती है इलेवंथ में पहुंचेंगे एक नई प्रकार की श्रेणी हम लोग सीखेंगे अभी उसकी बात नहीं करेंगे बस छोटी सी बात बता रहे हैं कि ऐसी एक श्रेणी और बनती है वो जीपी होती है गुणोत्तर श्रेणी वो इलेवंथ में हम लोग सीखेंगे चल के जब टेंथ पास आउट करके जाओगे तो आप इलेवंथ में वहां सीखोगे इसी प्रकार की पैटर्न में कोई नया पैटर्न वहां मिलेगा लेकिन अभी हमें कौन मतलब कि अभी हमें दिमाग में कौन सी रखनी है बोर्ड ऑफ पॉइंट हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिन श्रेणियों के क्रमागत पदों का अंतर अगर समान है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं समझ गए हमें ना यह पढ़नी है कि कुछ गुणा हो हो रहा या कुछ हमारे वर्ग हो रहा हो इस प्रकार की कोई श्रेणी की बात नहीं करनी हमारे दिमाग में केवल एक अभी चलनी चाहिए फिलहाल के हिसाब से कि ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान हो जैसे मैंने ये लिख दी तीन नौ बारह ऐसी कुछ और भी हो सकती मान लो ये लिखा दो फिर पांच फिर आठ फिर ग्यारह चौदह डैश डैश दो में तीन जोड़ा पांच पांच में तीन जोड़ा आठ आठ में तीन जोड़ा ग्यारह ग्यारह में तीन जोड़ा पंद्रह तो यहां पर भी तीन ही जुड़ रहा है।, तो है मतलब कि अगला पद हमें कैसे प्राप्त हो रहा है तीन जोड़े पर यहां पर भी तीन जोड़ रहा है पांच में से दो घटाओ तीन आठ में से पांच घटाओ तीन ग्यारह में से आठ घटाओ तीन चौदह में से ग्यारह घटाओ तीन तो यहां पर क्रमागत पदों का जो अंतर है वो हमारे पास समान है ये भी क्या बना रही है एक एपी बना रही है जैसे हम समांतर श्रेणी बोलेंगे बात समझ में आई कि क्या समांतर श्रेणी होती है सर समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें क्रमागत पदों का जो अंतर होगा वो सर समान होगा ठीक ये बेसिक सी बात होगी अब छोटी छोटी चीजें सम, समांतर के बारे में सीखनी है जैसे कि इसे समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहते हैं इसे हम ए वन से लिख रहे हैं कहीं ए भी लिख दोगे तो भी चलेगा ठीक ये ए वन प्रथम पद हो गया ये ए टू दूसरा पद हो गया ऐसे ए थ्री तीसरा पद हो गया फोर चौथा पद हो गया ए फाइव पांचवा पद हो गया ए सिक्स छठा पद हो गया ऐसे ही हमारे पास पद बढ़ते जाएंगे हम इनको नामकरण कर देते हैं इनको अलग अलग नामों से पुकार लेते हैं कि ये पहला पद है ए से दर्शा देंगे दूसरा ए टू है फिर ए थ्री है फिर हमारे पास ए फोर है ए फाइव है ए सिक्स है ए सेवन है ए एट है जितनी लंबी सीरीज है आप ऐसे नाम देते चले जाएंगे ठीक तो ये क्या कहलाता है ये हमारे पास जो है इस श्रेणी का प्रथम पद है क्या है प्रथम पद समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे तो ये समांतर श्रेणी का क्या है प्रथम पद इसे हम A से दर्शाते हैं वन हमने लिखा है केवल कि पहला इसमें दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है सार्तर सार्तर का मतलब क्या है सर सार्तर क्या होता है नाम से ही स्पष्ट है सार्तर लेकिन समान अंतर वाली मतलब अंतर क्या होगा सार्वंतर मतलब हम दो क्रमागत पदों के बीच अंतर देख रहे होंगे तो दो क्रमागत पद कोई भी ले सकते हो कोई जरूरी नहीं यहीं से इसको घटाओ हमेशा बाद वाली से पहले वाली को घटाना है चाहे इससे इसको घटा लो 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 हर जगह पदों का अंतर समान होगा क्योंकि तभी समांतर श्रेणी बनती है क्योंकि जब पदों का अंतर समान होता है तभी वो सर समांतर श्रेणी बनती है तो चाहे आप इससे इसको घटा लो चाहे इससे इसको घटा लो चाहे इससे इसको घटा लो इससे इसको इससे किसी को भी घटा लो हर जगह अंतर समान है तो समांतर श्रेणी का जो सारवांतर है वो मान लो हम ए टू माइनस ए वन अगर कर रहे हैं ए टू हमारे पास कितना है छ वन हमारे पास कितना है तीन तो सार्वान्तर तीन आ गया हमारे पास जिसे कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं तो सार्वान्तर क्या हो गया डी बराबर तीन आप यहां से भी घटाते अठारह से पंद्रह तो भी तीन आता पंद्रह से बारह घटाते तो भी तीन आता बारह से नौ घटाते तो भी तीन आता नौ से छह तो भी तीन हर जगह अंतर समान होगा ये बात हमें याद होनी चाहिए तो ये बेसिक बेसिक सी बात हो गई समांतर श्रेणी के परिचय के बारे में 5.1 में हमें इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करनी

दूसरी लिख रहा हूं सौ पंचानबे नब्बे पचासी अस्सी डेस्ट डेस्ट तीसरी लिख रहा हूं तीसरी मैंने लिखी रूट टू फिर टू रूट टू थ्री रूट टू फोर रूट टू 2, देश, देश, देश. मैंने ऐसे तीन श्रेणियां लिखी पहली श्रेणी ये है दूसरी ये पहले वाले में ए और डी सारे लोग निकाल के बताओगे निकालो साथ साथ निकालते रहो ए क्या होता है सर ए जो होता है ए में तो कुछ सोचना ही नहीं है ए में बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं है तुरंत देखते ही श्रेणी अगर कोई लिखी है ए पहले लिख दो ए में कुछ नहीं सोचो ए सर यहां पर क्या है ए सर ए बराबर 6। ए क्या होता है प्रथम पद है सर प्रथम पद हमारे पास जो पहला पद लिखा है श्रेणी में बस ए बिना सोचे समय लिख दो कि ए बराबर से छ यहाँ पर क्या है सर ए बराबर सौ यहां पर क्या है सर ए बराबर रूट टू ए छो है, है रूट टू ये हमें दिख रहा है क्या ये समांतर श्रेणी है ये हम देख लेते हैं कैसे देखेंगे सर क्रमागत पदों का अंतर समान होगा तो मान लो ए टू माइनस ए वन निकाले डी कैसे निकलेगा ए टू माइनस ए वन तो डी बराबर ए टू माइनस ए वन कोई जरूरी नहीं है आप यहां से कर दो

इस वाली श्रेणी में डी बताओ अच्छा सारे लोग डी क्या होगा यहां भी हम डी निकाल रहे हैं डी हम निकालते हैं पंचानवे माइनस वही हम करते हैं माइनस अगर दो दो पद दिख रहे हैं तो सबसे हमें आसान ये लगता है ना कि आगे आगे के दो देख लो क्या जाना हर जगह होगा समान ही लेकिन हम क्या आगे जाए सीधे से निकाल लेते हैं क्या होगा पंचानवे माइनस सौ पंचानवे से सौ जाएगा तो कितना आएगा माइनस का पांच पंचानवे से माइनस सौ करोगे क्या आएगा माइनस पांच डी में बस ध्यान रखना कि बाद वाले से पहले वाले को पद को घटाओगे यहां पर आओ डी बराबर अब यहाँ पर रूट वाला लिया जानबूझ के लिया कि बच्चे बहुत डर देंगे सर रूट वाला क्या है रूट वाले में कैसे करो रूट वाला क्वेश्चन सर करा दो मैंने जानबूझ लिया आगे भी रूट वाले कोई भी क्वेश्चन होगा मैं जरूर कराऊंगा और सारे वो क्वेश्चन लिए जो लोगों को टफ लगते हैं वो क्वेश्चन सिंपल वाले रिजू पंजू नहीं कराएंगे वो तो बता ही दे रहे हैं अभी परिचय में वो सारे क्वेश्चन कर लोगे जो अच्छे क्वेश्चन है वो सारे मैं आज करा के जाऊंगा तो यहाँ से डी कैसे निकालोगे मान लो हमने टू रूट टू से माइनस किया रूट टू इस वाले से इस वाले को इससे इसको भी माइनस कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं तो d बराबर क्या आ जाएगा सर रूट टू यहाँ पर भी है यहां पर भी है, अगर तुम्हें दिक्कत लगा करे तो रूट टू कॉमन ले लो तो टू माइनस वन डू बराबर आ गया टू माइनस वन वन हो जाएगा तो d बराबर सीधा रूट टू आ गया तो सारा यहां पर क्या है रूट टू है ठीक वैसे भी दो रूट टू से एक रूट टू चला जाएगा तो रूट टू बचेगा लेकिन नहीं है कोई दिक्कत नहीं रूट टू कॉमन ले लो अगर आपको अंतर गलत लगता हो तो आप स्टेप बाय स्टेप चलो आराम से क्वेश्चन हल हो जाएगा इस प्रकार से ए और और डी पर क्वेश्चन क्वेश्चन बनता है ये पूछा जाता है एग्जाम में या जैसा ऐसा क्वेश्चन मैंने, मैंने कोई क्वेश्चन नंबर है का, उसी का लिया है इसमें बहुत सारे पार्ट थे मैंने चार पार्ट फिर भी ले लिया हमें क्या करना है, में कौन एपी है? पहले ये बताना है एपी कैसे अच्छा पहचानेंगे समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे सर उनके क्रमागत पदों का अंतर समान होगा हम डी निकाल के बता देंगे कि ये अगर हर जगह ये समान है यहां पर भी डी समान है यहां पर भी यहां पर भी तो वो समांतर श्रेणी है अगर नहीं समान है तो नहीं है सीधी बात फिर आगे क्या अगर समांतर श्रेणी होगी तो यदि कोई ए है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना होगा अगर समान होगी तो सार्वंतर निकालेंगे ठीक इसके तीन आगे के और पद भी लिखने होंगे लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं चलते लिखते पहला वाला स्टार्ट कर रहे हैं मान लो इधर से लिखते हैं फर्स्ट वन मैंने लिया फर्स्ट वन क्या लिया गया टू कॉमा फोर कामा आठ कॉमा सोलह ये तो चीजें अभी हम लोग करके आए ना पीछे अब तो बता ही लोगे ना सर लिखो ए क्या है यहाँ पर सर ए प्रथम पद जो होता है वो तो बिना सोचे समझे दो हमने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं अब हमें ये बताना ये समांतर श्रेणी है कि नहीं तो क्रमागत पदों का अंतर देख लो मान लो ए टू माइनस हम ए वन निकालें पहले ए टू माइनस ए वन चार माइनस दो निकालें तो कितना आ गया सर चार माइनस दो जो है वो हमारे पास दो के बराबर आ गया ठीक a2- a1 हमारे पास दो के बराबर आ गया ऐसे ही a3- मान लो a2 निकाले a3 से a2 को कटाए तो आठ-चार ये चार आ गया क्या क्रमागत पदों का अंतर समान है ये दो आ रहा है और ये चार आ रहा है मतलब कि ये एपी है ही नहीं अर्थात ये समांतर श्रेणी नहीं है समांतर श्रेणी तभी होती है जब इनके पदों में अंतर समान हो चार में से दो घटाया तो दो आया आठ में से चार चार आया सोलह में से आठ घटाएंगे आठ आगे आ जाएगा समांतर श्रेणी नहीं है भाई ये समांतर श्रेणी में ये दो अगर आया तो ये भी दो होगा ये भी दो होगा आगे सारे कमो पदों का अंतर दो होगा हम लिखेंगे अतः यह एपी नहीं है क्या नहीं है एपी नहीं है बस अगर एपी होता तो आगे की हम बात करेंगे तब तो सर्वंतर निकलेगा सर्वंतर होता किसमें है समांतर श्रेणी में अगर ए में होती तो हम लिखते हैं उसका अंतर अब हाई नहीं ए तो डी कहाँ से लाएं नहीं है ना डी कुछ ही नहीं डी आगे तो बस सीधी सी बात है गलत है ठीक तो ये हमारे पास क्या है ए नहीं है अब चलते हैं आगे दूसरे वाले क्वेश्चन पे दो पांच बटे दो यही लिख ले यहीं करते हैं अच्छा देखो सेकेंड वाला यही लिख रहे हैं दो कामा पांच बटे दो कामा तीन कामा सात बटे दो ऐसे देख के आइडिया ना लगा लेना कि ए पी है या नहीं है निकाल के देखना कि डी आ रहा है या नहीं देखना इस वाले क्वेश्चन में डी कैसे आता है ए तो कोई दिक्कत नहीं सर ए प्रथम पद होता है वो तुम लोग डायरेक्ट लिख देंगे पहला पद जो लिखा है डी सीधा ए बराबर टू हो गया अब हम क्या करेंगे ए टू माइनस ए वन निकालेंगे ए टू माइनस ए वन तो ए टू माइनस ए वन मतलब पांच बटे दो माइनस दो बाद वाले से पहले वाले पद को घटाते हैं तो पांच बटे दो माइनस दो करा एलसीएम ले लो दो एलसीएम ले लिया तो ये हो गया पांच माइनस चार मतलब कि एक बटे दो आ गया चलो ये तो एक बटे दो आया अगर आगे भी एक बटे दो मिल गया यहाँ पर भी एक बटे दो मिल गया हर जगह एक बटे दो अगर हमें मिल गया तो हम कह देंगे ये एपी है अगर नहीं मिला तो कह देंगे एपी नहीं है जैसा यहाँ नहीं मिला था अब यहाँ पर निकाल लेते हैं तीन माइनस पांच बटे दो या फिर हम लिख देते हैं ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री कौन है ए वन ए टू ए थ्री 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 माइनस पांच बटे दो ये भी बराबर आना चाहिए मतलब एक बट्टे दो आना चाहिए देखें आता है कि नहीं तो दो ती माइनस पांच बटे दो बराबर एक बटे दो हाँ ये भी एक बटे दो आ रहा है चलो एक और चेक कर लेते हैं नहीं एक ये हो गया एक ये हो गया एक यहां से भी कर लेते हैं बाद में लिख देंगे यहां से लिखते हैं ए फोर माइनस ए थ्री ठीक ए फोर माइनस ए थ्री ए फोर कौन है ए वन ए टू ए, ए थ्री ए फोर सात बटे दो माइनस तीन लो सात माइनस छ बटे दो कितना आ जाएगा एक बटे दो ये भी एक बटे दो है हर जगह पदों का अंतर समान है ए बराबर कितना था ए बराबर टू था प्रथम पद ए है डी हर जगह वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू है मतलब क्रमागत पदों का जो अंतर है वो हमारे पास क्या है सर क्रमागत पदों का अंतर जो है वो समान है अगर क्रमागत पदों का अंतर हमारे पास समान है अतः ए पी है हमें दिख रहा है यहाँ भी वन बाई टू है यहाँ भी वन बाई टू यहाँ भी वन बाई टू ए हमारे पास है अब अगर ए पी है तो क्या करना है कह रहा है इसका सार्वंत्र लिखे सार्वान्तर तो निकाला ही है ए फोर माइनस ए थ्री ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू ये डी तो आया है सार्वंतर कैसे निकालते हैं क्रमागत पदों के अंतर से तो डी हमारे पास सर आ ही गया है डी बराबर क्या है सारवांतर वन बाई टू आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है कि सारवांतर ज्ञात कीजिए तथा इसके आगे के तीन और पद लिखिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमें आगे के तीन पद और यहाँ पे लिख के बताना है कैसे लिखेंगे आगे के पद अच्छा एक थोड़ा पीछे आओ एक बार पीछे आओ यहाँ पर आओ मान लो अच्छा ये बात समझो कि ये पहला पद है छह अगर हम छह में डी को जोड़ दें तो हमें अगला पद मिल जाएगा इस छह में हम इस डी को जोड़ दें तो अगला पद मिल जाएगा प्लस चार जोड़ दिया तो दस मिल जाएगा इस दस में अगर हम अगला फिर से डी जोड़ दें तो हमें अगला पद मिल जाएगा इस दस में अगर हम इस चार जोड़ दें तो चौदह मिल जाएगा इस चौदह में फिर से हम चार जोड़ दें तो अठारह मिल जाएगा अठारह में फिर आगे का डी जोड़ दो तो अगला पद मतलब जैसे भी आगे वाले पद में निकालना है अगर तुम्हें तो पीछे वाले पद में अगर तुम डी जोड़ते हो तो अगला पद तुम्हें मिल जाएगा जैसे सौ है ठीक सौ सौ में अगर डी जोड़ दे डी क्या है माइनस पांच तो सौ में माइनस पांच जोड़ोगे तो क्या आएगा माइनस पंचानवे अगर हम सौ में जोड़ते हैं माइनस पांच तो क्या आ जाएगा पंचानवे ही तो आएगा तो जैसे ही सौ में आप माइनस पांच जोड़ोगे पंचानवे पंचानवे में माइनस पांच जोड़ोगे नब्बे नब्बे में माइनस पांच जोड़ोगे पचासी पचासी में माइनस पांच जोड़ोगे अस्सी आप जैसे ही डी जोड़ते हो अगला पद मिल जाता है मतलब तो अस्सी के बाद अगर हमें अगला पद लिखना है तो अस्सी में माइनस पांच जोड़ दे पचहत्तर आ जाएगा छब्बीस के बाद हमें अगला पद लिखना है तो छब्बीस में अगर चार जोड़ दें तो तीस अगला पद मिल जाएगा तो जैसे ही आप डी जोड़ते हो आपको अगला पद मिल जाता है ये हमें यहां से इस पैटर्न से समझ में आ रहा है अब हमें क्या करना है सात बटे दो के बाद आगे के तीन पद लिखने यही तो कह रहा है तीन और पद लिखिए तो सात बटे दो तक तो है अगर इसमें हम डी जोड़ दे तो आगे का पद मिल जाएगा उसमें फिर से डी जोड़ देंगे आगे का पद मिल जाएगा फिर डी जोड़ देंगे आगे का पद मिल जाएगा तो ये तीनों पद हमें यहाँ पर मिल जाएंगे लिख लेते हैं लास्ट पद हमारे पास क्या है सात बटे दो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर तो ए फाइव अगर हमें निकालना है पांचवा पद निकालना है छठा पद निकालना है और सातवां निकालना है क्योंकि चार पत्तों में दिए गए थे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर आगे के तीन निकालना है सिक्स ए सेवन निकाल दो ए सिक्स ए सेवन कैसे निकलेगा ए फाइव कैसे निकलेगा अगर पीछे वाले पद में ए फोर में हम डी जोड़ दें तो हमारे पास क्या सात बटे दो डी हमने निकाल रखा है कितना एक बटे दो सात बटे दो और एक बटे दो कितना हो जाएगा आठ बटे दो आठ बटे दो मतलब कि चार अब ऐसे ए सिक्स निकालना है तो क्या करोगे ए फाइव में डी जोड़ दोगे ए फाइव अभी हमने ताजा ताजा निकाला चार डी क्या है वन बाई टू जोड़ दो नौ बटे दो ए सेवन निकालना है तो ए सिक्स में डी जोड़ दो इसके पीछे वाले पद में तो ए सिक्स में जैसे डी जोड़ोगे तो ए सिक्स क्या है नौ बटे दो डी क्या है एक बटे दो दस बटे दो मतलब कि पांच दस बटे दो मतलब की पांच मतलब तो ये हमारे पास क्या आ गए आगे के तीन पद आ गए ये फोर है नाइन बाई टू है और फाइव है ये तीनों पद आ गए क्या आ गया एक अगला पद हमें मिल गया फोर फिर हमें मिल गया नाइन बाई टू और फिर फाइव तीनों पद हमने आगे के लिख लिया बढ़िया क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम ठीक है तो कुछ नहीं करना है आगे का पद आपको डी रखने पर मिल जाएगा चले आगे तीसरा करते हैं एक पॉइंट में दिया गया करते हैं कोई दिक्कत नहीं तीसरा क्वेश्चन पे आ जाओ मैं काफी क्वेश्चंस करा दूंगा ताकि पूरा ही रिवीजन हो जाए कह रहा है माइनस का 1.2 माइनस का 3.2 इसलिए ये क्वेश्चन लिए कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर ये क्या है माइनस का थ्री पॉइंट टू फिर माइनस का फाइव पॉइंट टू ठीक माइनस का सेवन पॉइंट टू इसको कर लो ए तो डायरेक्ट लिख दो ए बराबर क्या है माइनस का वन पॉइंट टू ए हमें डायरेक्टली दिख रहा है ए की वैल्यू क्या है माइनस का वन पॉइंट टू डी निकालना पड़ेगा डी कैसे निकलेगा ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, ए टू हमारे पास क्या है माइनस का थ्री पॉइंट टू

तो माइनस -5.2 और ये हो जाएगा प्लस का 3.2 तो कितना आ जाएगा यहाँ भी 2 आ जाएगा मतलब कि क्रमागत पदों का अंतर तो समान है ऐसे यहाँ पर भी निकाल सकते हैं एक और निकाल देते हैं a4 a3 तो a4 हमारे पास क्या है माइनस का 7.2 माइनस माइनस का 5.2 तो माइनस -5.2 निकाल दो कितना आ जाएगा माइनस का 7.2 और प्लस का 5.2 यहां भी यहां से घटाएंगे तो भी 2 आ जाएगा सात दशमलव दो से पांच दशमलव दो घटा के देख लो माइनस का दो आएगा माइनस दो आएंगे सारे माइनस दो यहां से निकल आएगा ठीक तो सार्वांतर हमारे पास d क्या आ गया यहां से सर d बराबर जो सारवांतर है यहां पे लिख दो सारवांतर जो है कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं वो माइनस का दो है अगला पद कैसे मिलेगा इसके बाद हमें तीन पद और लिखने पड़ेंगे एक दो तीन कैसे मिलेगा इसमें डी जोड़ दो अगला पद इसमें डी जोड़ दो अगला पद इसमें डी जोड़ दो अगला पद जोड़ दो फिर क्या दिक्कत है मान लो में कहां तक पहुंच गए थे ए फोर तक पहुंच गए थ्री फोर ए फाइव निकाल दो ए फोर प्लस डी ए फोर हमारे पास क्या है? माइनस क्या सेवन पॉइंट टू और प्लस का डी डी हमारे पास क्या माइनस टू मतलब क्या आ गया? माइनस का नौ दसमलव दो ऐसे ही ए सिक्स निकाल दो ए फाइव में जब हम डी जोड़ देंगे ए फाइव अभी ताजा ताजा निकाला माइनस का नौ दशमलव दो और प्लस का माइनस दो तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नौ दशमलव दो ये माइनस का ग्यारह दशमलव दो ठीक नौ दसमलव दो ग्यारह दशमलव दो, दो ऐसे ही ए सेवन निकाल दो क्या आ जाएगा ए सिक्स प्लस डी ए सिक्स क्या क्या है यहां से आ गया माइनस ग्यारह दशमलव दो माइनस का दो माइनस का तेरह दशमलव दो, दो ये आ गया ए सेवन ए सिक्स ए फाइव ये तीन आगे के पद हमने निकाल दिए ठीक है तो दशमलव वाले माइनस वाले किसी से नहीं डरना डी की वैल्यू निगेटिव हो सकती है पॉजिटिव हो सकती है जीरो हो सकती है डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ठीक रूट में आ सकती है उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं ठीक है ये बात सबको समझ गए ना तो यहां से हमने देख रहे हैं कि ये हमने तीन पार्ट कर लिए चौथा पार्ट है रूट में ये भी कर ही लेते हैं काहे को कहोगे तुम लोग डरते रहे तो चौथा पार्ट क्या कह रहा है लिख लेते हैं थ्री प्लस थ्री प्लस रूट टू थ्री प्लस रूट टू प्लस थ्री प्लस टू रूट टू यही है ना थ्री प्लस टू रूट टू थ्री प्लस थ्री रूट टू अच्छा रूट टू है ना? थ्री प्लस टू रूट टू है ना टू रूट टू और प्लस थ्री प्लस थ्री रूट थ्री ठीक यही है कॉमा लगा दो भाई कहाँ कहाँ लगा है थ्री पे लगा था प्लस नहीं लगना है यहाँ पे ये यह अलग अलग है यहाँ पे ये यह कॉमा है और ये कॉमा है ये कौमा, ये कौमा, ये कौमा। और डैश 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 ये श्रेणी हमें दी गई है ठीक पहला पद ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पहला पद तो कोई दिक्कत नहीं ए बराबर तीन है प्रथम पद हमने लिख दिया डी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा पहले हमें समानता श्रेणी चेक करनी है तो ए टू माइनस ए वन निकाल लू तो ए टू क्या है थ्री प्लस रूट टू माइनस ए वन क्या है थ्री ठीक तो माइनस थ्री से और ये प्लस थ्री वाला दोनों कैंसिल आउट हो गए बचा केवल रूट टू ए टू माइनस वन रूट टू आया क्या ए थ्री माइनस ए टू भी हमारे पास रूट टू है देख लेते हैं ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री क्या ये तो थ्री प्लस टू रूट टू माइनस थ्री प्लस रूट टू थ्री प्लस रूट टू माइनस को अंदर ले जाते हैं थ्री प्लस टू रूट टू माइनस थ्री माइनस रूट टू फिर थ्री से थ्री कट जाएगा क्या बचा टू रूट टू माइनस का रूट टू दो रूट टू से एक रूट टू कम हो गया केवल क्या बचा रूट टू दिख रहा है या कॉमन ले लो वो भी वन तो रूट टू रूट टू अंतर समान है एक और देख लेते हैं भाई देख लो सारे देख लो ऐसा ना कुछ सोचो कि सर यहीं तक देखा ए फोर माइनस ए थ्री भी देख लेते ये भी तो दिया गया था देख लो भाई देख लो तुम्हारी इच्छा है ए फोर का पर ए फोर माइनस ए थ्री ए थ्री क्या है थ्री प्लस टू रूट टू रख दो जैसे आप रखोगे थ्री प्लस थ्री रूट थ्री माइनस को अंदर ले जाओ माइनस थ्री माइनस टू रूट टू थ्री से थ्री फी कट जाएगा इस बार बचा थ्री रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री फिर से क्या आ जाएगा रूट थ्री नहीं रूट टू है यार ये ये रूट टू है भाई अभी गड़बड़ हो जाएगा सब ये आ गया रूट टू अब ये क्या बचा केवल रूट टू ठीक तो थ्री रूट टू माइनस टू रूट टू कि यहां पर हमारे पास दिख रहा है हर जगह अंतर समान है रूट टू है रूटू है रूटू है अगर अंतर समान है समांतर श्रेणी है सीधी सी बात है तो सारवांतर फिर से हमने लिख दिया क्या सर सार्तर जो आपका है डी बराबर वो रूट टू है क्या है रूट टू हमारे पास सार्वंतर है अब आपको आगे के तीन पद तो लिखने पड़ेंगे भाई वो तो मजबूरी है कोई ऑप्शन नहीं है आगे के तीन पद भी बताना है क्वेश्चन बड़ा बनेगा ये जब भी बनेगा तो ए फोर तक तो पहुंच चुके हैं यहाँ से आगे डी जोड़ देंगे अगला मिल जाएगा आगे मिल जाएगा आगे मिल जाएगा ए फाइव कैसे मिलेगा जब ए फोर में हम डी जोड़ देंगे ए फोर क्या ये थ्री अच्छा यहाँ पे रूट थ्री लिख ही दिया था रूट टू लिख लो भाई ठीक यहाँ पे आ जाओ ये हो गया थ्री प्लस थ्री रूट टू और प्लस का डी डी हमारे पास क्या निकाला अभी रूट टू निकाला रख दो रूट टू तो थ्री थ्री रूट टू प्लस रूट टू कितना हो जाएगा फोर रूट टू तो ये आ गया ए फाइव ऐसे ए सिक्स निकाल दो ए सिक्स कैसे निकलेगा ए फाइव में डी जोड़ देना ए फाइव अभी ताजा ताज़ा ऊपर निकाला है कैसे थ्री फोर रूट टू डी क्या है फिर से रूट टू तो क्या आ जाएगा ए फाइव ए सिक्स ये आ जाएगा थ्री प्लस फाइव रूट टू ये आगे का पद आ गया ऐसे ए फाइव आ गया ए सिक्स आ गया ए सेवन भी निकाल दो ए सेवन बराबर हो जाएगा ए सिक्स प्लस डी ए सेवन बराबर हो जाएगा ए सिक्स हमारे पास क्या आया है ए सिक्स ऊपर निकाला थ्री प्लस फाइव रूट टू निकाल दो थ्री प्लस फाइव रूट टू प्लस का डी डी हमारे पास क्या है सर रूट टू तो कितना जाएगा आ आ गया 3 plus 6 root ये आ गया ये आगे के तीन पद ए फाइव ए सिक्स ए सेवन वही करना था बस आगे के तीन पद निकालने थे पहले आप चेक करो प्रथम पद तो पहले ही दो बिना सोचे समझे फिर बस पदों का अंतर देख लो ये पदों का अंतर देख लो हर जगह समान आ गया है समान बस कंफ्यूजन कहाँ करेगा ये रूट रूट में लिख के कि रूट में लिख रहा है तो रूट किसी बच्चे को दिक्कत है रूट में देख के ही वो डर रहा है कुछ भी नहीं डरना एकदम सिंपल क्वेश्चन है करना तो सेम काम है चाहे रूट में लिखा हो चाहे दशमलव में लिखा हो चाहे माइनस में लिखा हो चाहे माइनस लगा होता है यहाँ पे ये माइनस ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का कोई दिक्कत नहीं किसी से नहीं कंफ्यूज होना है ये पीछे वाला क्वेश्चन देखो दशमलव भी था और माइनस भी लगा था हर जगह तो कुछ नहीं कंफ्यूज होना है बस जैसे होता है वैसे आप प्रॉपर मेथड से करिए आपका आंसर आएगा बस आप जैसे अभी तक सीखा है वैसे डरना नहीं है कि ऐसा होगा तभी हम कर पाएंगे ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो किसी भी रूप में दे क्योंकि ये तो बहुत कम ही चांस है कि पूछा जाए इनके चांस ज़्यादा है जो है क्योंकि यही तो कंफ्यूज कराएगा कि ये लेवल का आप कर पा रहे हो कि नहीं तो आप दशमलव वाला भी कर पाओ बटे वाला भी कर पाओ और रूट वाला भी कर पाओ बस करना सेम इसी पैटर्न से अब एक बार फिर से अगर दिक्कत लगे तो फिर से ट्राई करना आ जाएगा ठीक है चले आगे तो ये हो गई हमारे पास पहले वाले फाइव पॉइंट वन की बात फाइव पॉइंट वन में केवल ए और डी निकालने की बात की गई कि समांतर श्रेणी कोई दे देगा ए और डी बताओ देख के तुम्हें ए और डी पहचानना है केवल और कुछ नहीं करना है ये पहचानना होगा कि कभी ए पी है कि नहीं है तो वो आप पदों के अंतर देख के बता दोगे कि सर समांतर श्रेणी वो श्रेणी है जिसमें क्रमागत पदों का अंतर क्रमागत मतलब जो क्रम में आए एक के बाद एक तो क्रमागत पदों का अंतर समान होगा ठीक है अब चलते हैं आगे दूसरी बात करते हैं समांतर श्रेणी के एन पदों की बात एनवा पद क्या होगा समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होगा जैसे एनवा पद का यहां पर मतलब क्या है इसका डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है कि जैसे कि अगर हमें समांतर श्रेणी का सीधा एनोवा पद लिखना है मतलब ए एन बराबर लिखना है तो डायरेक्ट फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी डायरेक्ट फार्मूला ये डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास और कुछ नहीं करना ये फार्मूला याद रखो पहला फार्मूला आपको यहीं से मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह काम आएगा और इसको याद कर लो एकदम अभी से वैसे क्वेश्चन में करते करते आपको याद हो जाएगा जिसको याद है बहुत अच्छी बात नहीं याद है तो इसको दिमाग में डाल लो इसका कोई वो हमें नहीं सीखना है सिर्फ हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना ही सीखना है कि कैसे इसको यूज करना है यहां पर सारी बातें सीख लेते हैं क्या है एन जो होता है इसी को बोलते हैं एनोवा पद ठीक जैसे अभी हम यहाँ पे कहां तक चल रहे थे कि चौथा पांच पांचवा छठा सातवां ऐसे डे डेड मान लिया कि हमें नहीं पता पदों की संख्या कितनी है तो एनवा पद बोल देते हैं कि इतने पद है एन पद है तो इसलिए एन एक संख्या है वो हमारे पास कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है हमेशा एन एक प्राकृत संख्या होगी पहले से स्टार्ट कर रहे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ऐसे अनंत तक चले जाओ तो एनवा पद मान लिया कोई हमारे पास एनवा पद रहा होगा तो ए एन जो होता है इसे एनवा पद और किसी किसी बुक में अंतिम पद भी लिखा हो तो कन्फ्यूज ना होना दोनों बातों का मतलब एक ही है अंतिम पद को हम एल से दर्शा देते हैं, ठीक तो एल लिखा हो या लिखा लिखा हो, दोनों को बातों का मतलब एक है। जो अंत में पद होगा उसे ही हम बोलेंगे इसे अंतिम पद भी बोलते हैं आपको पता ही है क्या है? सर, ए प्रथम पद है क्या है प्रथम पद ठीक सर एन यहां पर क्या लिखा बताएगा टीएन भी कहीं-कहीं लिखा होता है वैसे उसकी बात नहीं करते ही मिलेगा आपको क्या जैसे यहां पर मान लो पांचवा पद निकालना है तो क्या लिखेंगे A5. एन की वैल्यू क्या रख दोगे पांच कोई दिक्कत नहीं ठीक समझ गए ऐसे ही मान लो ये हमारे पास पदों की संख्या होगी डी क्या है अभी पीछे देखा डी सार्तर है जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं क्या है सर्वांतर है सर जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं बात क्लियर हुई सभी को ये पांच एक फार्मूला है ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए क्या क्या अलग अलग है यन पदों की संख्या होता है और अंतिम पद होता है जो लास्ट में एनवा पद लिखा होगा अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये फार्मूला दिमाग में डाल लो भाई सभी लोग डाल लो बहुत इंपॉर्टेंट है बेहद इंपॉर्टेंट ठीक है अब इसको कैसे यूज करना है उसको हम लोग सीखते हैं जैसे पहला बेसिक क्वेश्चन एक लिया है अब इसने एक ए पी डी दस सात चार कह रहा है इसका तीसवा पद निकालो तीसवा पद ज्ञात करो अब तीसवें पद के लिए हम बार बार डी तो नहीं ऐड करेंगे जैसे अभी तक तो ये होता था कि आगे के तीन पद लिखो तो चार के बाद एक फिर डी ऐड करके पांचवा पद लिख देते दे थे फिर डी ऐड करके छठा फिर सात लिखना होता था फिर डी ऐड कर देते थे तो तीसवा पद निकालना तो क्या बार बार डी ऐड करते रहेंगे कल हो जाएगी यार कल तक हम निकालते कम कम तो रहेंगे रहे तो नहीं उसी के लिए ये हमारे पास फार्मूला है बस पहले जो भी श्रेणी दी जाए उस श्रेणी को दे के ए और डी तो पहले लिख ही दो क्योंकि जब ए और डी तुम्हें मिल जाएगा तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी बस ए डी निकाला नहीं कि सब कुछ जो भी पूछेगा तुम निकाल दोगे तो ए डी कैसे इससे लिखोगे सर ए तो प्रथम पद होता है तो ए बराबर तो दस है प्रथम पद सबसे पहले जो भी श्रेणी दी जाए आप A और D उसका लिख दो बाकी कुछ लिखो ना लिखो पहले लिख डी हो क्या होगा सात में से दस माइनस कर लेंगे सात माइनस दस कितना माइनस का तीन याद रखना हमेशा बाद वाले से पहले वाले को करेंगे। चार से सात को माइनस कर सकते हो दोनों की वैल्यू माइनस तीन होगी ठीक तो डी माइनस तीन है ए दस है अब हमें तीसवा पद निकालना है हमारे पास एनवा पद का फार्मूला है एनवा पद का फार्मूला क्या होता है लिख देते सीधे ए एन बराबर हमारे पास सर फार्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यहां पर हमें ए पता है डी पता है ए पता है और डी क्या एन नहीं पता है तीसवें पद की बात कर रही है ये हमें एन ही दिया गया है क्या दिया गया तीसवा कौन से नंबर वाला पद पदों की संख्या कितनी है तीस है तो तीसवा पद की बात कर रहा है कि जगह जो ये ए की वैल्यू है वो रख दोन की जगह तीस रख दो क्योंकि तीस है माइनस वन माइनस वन डी की वैल्यू क्या है माइनस तीन निकालिए रख दो सारी वैल्यू रख दो जो जो आपको पता है आप ए थर्टी आराम से बता दोगे क्योंकि हमें वही ज्ञात करना है हमें ज्ञात क्या करना है तीसवा पद मतलब a30 हमें निकालना है अगर n पद होता तो an निकालना है 40 पद होता है a40 वां निकालना है a30 वां है a30 निकालना है अब निकालो 10 प्लस 29 गुने -3 तो a30 बराबर क्या हो गया 10 प्लस प्लस क्या? है? ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 9 27 3 2 छः और छः और दो आठ, सत्तासी। तो a30 हमारे पास कितना आ गया माइनस का ससत्तर कहीं ऑप्शन में दिख रहा है माइनस सर दिख रहा है सर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर तीन दिख रहा है माइनस सर तो माइनस सर इज द राइट आंसर बढ़िया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है तो इस प्रकार से हमें इस फार्मूले का उपयोग करना है जो ये हमने सीखा एनवे पद का ठीक और क्वेश्चन इस पे करते हैं तब और कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो छोटा बोचा बचा है चीजें वो और चीजें क्लियर हो जाएगी अगला क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है क्या संख्याओं की सूची एक दी गई है ये एक क्रमागत कुछ क्रम दिया गया है का कोई पद 301 है हमें यह बताना है कि इस श्रेणी को अगर आगे ऐसे बढ़ाते चले जाए तो क्या कभी हमें 301 मिलेगा ये बात इसमें इसने पूछी है कि क्या 301 कभी मिलेगा इस श्रेणी को देख के क्या क्या लिख सकते हैं सर हम ए लिख सकते हैं और डी लिख सकते हैं वो तो हमें लिखनी है 301 क्या होगा अगर हम यहां पर क्या करें इस 301 को सीधा हम क्या करें इसी को हम एनवा पद मान लें क्योंकि पद का फार्मूला है हमारे पास और उस फार्मूले में सारी चीजें रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या 301 कभी मिलेगा कैसे देखो ध्यान से समझना मान लो ये हमारे पास श्रेणी देखी तो ए बराबर तो पांच है डी बराबर ग्यारह माइनस मतलब कि कितना हो जाएगा छ पांच ग्यारह तो आ जाएगा ठीक तो ग्यारह महीने पांच चले गए छ आ गया तो डी सार्वान्तर हमारे पास छह अब एनवा पद का जो फार्मूला होता है एन बराबर वो होता है ए प्लस एन माइनस डी ये फार्मूला होता है हमें ए पता है डी पता है हमें एन नहीं पता कि कितने पद है लेकिन ये कह रहा है कि कोई पद 301 होगा हमने मान लिया कि एनवा पद 301 होगा हमने बस अपने मन से मान लिया अगर होगा तो पता चल जाएगा क्योंकि पदों की संख्या यहां से निकल आएगी कि कौन से नंबर वाला पद होगा कौन से नंबर पर होगा दसवें नंबर पर होगा बीसवे पर होगा पच्चीसवें पर होगा चालीसवे पर होगा तो इसी को हमने क्या मान लिया कि ये हमें ए एन दिया गया है क्या दिया गया है ए एन अंतिम पद या जिसे बोल सकते हो या एनवा पद बोल सकते हो कि हमने ये मान लिया कि माना लिख देते हैं यहां पे माना ए एन बराबर तीन सौ एक क्या है एन बराबर एनवा पद जो है वो तीन सौ एक है रख दो तीन सौ एक रख दिया ए हमारे पास क्या है पांच वो तो मिल ही गया है एन माइनस वन डी हमारे पास क्या है छह रख दो सॉल्व करो इसे पांच को इधर ले आओ तीन सौ एक माइनस पांच बराबर यहां से आ जाओ ये हो जाएगा एन माइनस वन इसको अंदर गुणा ही कर दो तो सीधा सिक्स एन माइनस का ये कितना हो जाएगा एक कम हुआ तो तीन सौ चार कम हुए तो दो सौ छानवे और ये हो गया सिक्स एन माइनस का छ माइनस छ को और इधर ले आओ तो सिक्स एन बराबर मान लो हो गया दो सौ छियानबे और <laughs> प्लस का छ जोड़ दो इनको ठीक यहां से हमने कुछ नहीं किया इसको पलट के लिख दिया है तो तीन। तीन तो खाई बिंदी दशमलव लगाओ जीरो लिया छिक अठारह और फिर दो बचेगा मतलब ऐसे पचास दशमलव कुछ तीन तीन ऐसे बनता जाएगा छह पंचे तीस किया हाँ ठीक छः पंच पचास दशमलव तीन तीन आया अब ये एक चीज थोड़ा गंदी सी आ गई क्या गंदी सी आ गई सर ये दशमलव में आ रहा है पचास दशमलव तीन तीन यन होता क्या ये एन की वैल्यू आई है एन बराबर क्या आया है पचास दशमलव तीन तीन उस दशमलव में मान आ गया क्या यन कभी दशमलव में हो सकता है एन हमने क्या बताया था एन एक प्राकृत संख्या है पहला पद होगा दूसरा होगा तीसरा होगा चौथा होगा पांचवा होगा छठा होगा सातवां होगा पचासवां होगा इक्यानवा इक्यावनवा होगा बावनवा होगा तिरपनवां होगा कभी पचास पॉइंट तेतीसवां पद सुना ये कौन सा पद होगा यार पचास हो उसके बीच में कौन सा यहाँ कहां पे ढूंढेंगे पदी नहीं होगा ना क्योंकि एन एक प्राकृत संख्या होती है हमेशा जो पदों की संख्या आएगी वो एक प्राकृत संख्या आएगी इस बात का मतलब क्या हुआ इसका दशमलव में आने का इसका मतलब यह हुआ कि इस श्रेणी में हमें 301 कभी मिलेगा नहीं हमने तो यह माना था कि तीन सौ एक है लेकिन हमने गलत माना था यह ऐसा होगा ही नहीं ये पद होगा ही नहीं पद मतलब कि 301 इस श्रेणी में हमें कहीं मिलेगा ही नहीं और तीन इस एक श्रेणी में मिलेगा नहीं तो हम लिख देते हैं यहां पर क्या लिखेंगे अतः यह संभव नहीं है पहले यह बात लिखो यह संभव यह संभव नहीं है क्या है ये संभव नहीं है अतः 301 इस सूची का सूची लिखी है ना ऊपर इस सूची का पद नहीं है क्या नहीं है पद नहीं है तो बस यही यहां पर बताना था कि यहां पर जो 301 बोल रहा है ना कि इस सूची में कहीं 301 आएगा नहीं आएगा क्योंकि पचास दशमलव तीन दशमलव में मान आया अगर ये प्राकृत संख्या आती केवल पचास आ जाता बावनवा आ जाता चौवनवा आ जाता कुछ भी आ जाता कोई भी प्राकृत संख्या आ जाती दशमलव की ना होती तो हम कह देते कि उस नंबर पर यह पद होगा जैसे पचास होता है तो कह देते पचासवें नंबर पर तीन सौ एक मिल जाएगा लेकिन यहां पर हमें कहीं नहीं मिलेगा इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया था कि ये हमें ध्यान रखना है कि एन की वैल्यू हमें क्या लेनी है एन की वैल्यू क्या आने वाली है ठीक सबको समझ में आया कैसे करना है इसको बस मान के चले थे कि ये है इस श्रेणी में लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये दशमलव में आ रहा मतलब इस श्रेणी में ये है ही नहीं तो बस यही बात हम नीचे लिख देंगे आंसर हो गया हम लोगों का ठीक है सबको बात क्लियर हुई ना यहाँ पर बहुत अच्छी वेरी गुड चलते हैं है और सोलवा है। भाई नहीं दी तो है लेकिन ए डी निकालने के लिए कुछ चीजें दे रखी है क्या दे रखा है एक तो इकतीसवां पद दे रखा है कि ग्यारहवा पद दे रखा है और सोलवां पद रखा है हमें ज्ञात क्या करना है एकतीस हमें इकतीसवां पद ज्ञात करना है दिया क्या क्या है दे पहले लिख लेते हैं सर हमें ग्यारहवां पद दिया है ए ग्यारह बराबर अड़तीस दिया है और ए सोलह बराबर तिहत्तर दिया है कि सोलवा पद तिहत्तर अब ए और डी हमें निकालना पड़ेगा कैसे निकलेगा इन्हीं दोनों से निकलेगा इससे एक समीकरण बनेगा इससे बनेगा दोनों को सॉल्व करके ए डी निकाल देंगे देखो कैसे हमें एनवे पद का फार्मूला पता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इन डी यही होता है अगर ए ग्यारहवा पद हमें लिखना है तो ए ग्यारह बराबर क्या हो जाएगा जहां जहां एन दिख रहा है वहां ग्यारह रख दो तो ग्यारह माइनस एक गुणे डी एन की जगह हमने ग्यारह रख दिया तो ए ग्यारह बराबर क्या आ जाएगा सर ए प्लस टेन डी ए ग्यारह की वैल्यू तुम्हें तो दी गई अड़तीस रख दो यहां पर अड़तीस बराबर ए प्लस टेन डी इसको समीकरण एक दे दू ऐसे ही समीकरण दूसरा बना लो कहां से जो हमें ए सोलह बराबर दे रखा है कुछ नहीं किया यहां पर हमें ए एन वाला फार्मूला पता था एन तो की जगह ग्यारह रखा क्योंकि पद दे रखा है तो एन की जगह ग्यारह तो यहाँ पर भी एन की जगह ग्यारह बाकी ए डी ऐसे रहने दो ए ग्यारह अड़तीस दे रखा अड़तीस रख दो हो गया ऐसे ही हमें सोलवा पद दे रखा है तो ए सोलह बराबर अगर रखे यहाँ पे एन की जगह सोलह रख देंगे ए प्लस सोलह माइनस वन इंटू डी तो ए सोलह बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस पंद्रह डी ठीक ए सोलह की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है ए सोलह की वैल्यू तिहत्तर दे रखी है तो बराबर ए प्लस ये बना लिया समीकर दो, दो समीकरण हमारे पास आ गए समीकरण एक दो। पीछे अभी हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं ए और डी दो अननोन है ए और दो वैल्यू हमें ज्ञात करनी दो ही समीकरण है विलोपन विधि लगा देंगे ए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी घटाने पर ए कैंसिल होगा डी की वैल्यू आएगी डी की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख के की वैल्यू निकाल लेंगे

बराबर अड़तीस इतनी बात तो क्लियर होगी ए प्लस पंद्रह डी बराबर तिहत्तर घटाने पर माइनस 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 चिन्ह बदल जाएंगे नीचे वाले ये कट ये नहीं भाई ये कट गया कितना बचा यहाँ पर ये बचा माइनस का पांच डी ये तिहत्तर से अड़तीस चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का पैंतीस माइनस माइनस ये कट गया डी बराबर पांच सत्य ठीक तो ये हमारे पास डी बराबर सीधे सात आ गए अब डी की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख के ए की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे रख दे यहीं पे नीचे लिख लेते हैं पहले समीकरण एक से समीकरण एक से रखो डी की वैल्यू सात तो ये अड़तीस बराबर ए प्लस दस गुणे सात तो अड़तीस बराबर ए प्लस सत्तर तो ए बराबर क्या आ गया ए बराबर आ गया अड़तीस माइनस सत्तर मतलब कि हमारे पास कितना हो जाएगा आ, अड़तीस और दो चालीस चालीस मतलब माइनस बत्तीस तो यहाँ पर माइनस का बत्तीस आ गया तो ए प्रथम पद जो है वो माइनस का बत्तीस है ऋणात्मक हो सकता कोई दिक्कत नहीं डी हमारे पास सात है अब आपसे क्या पूछ रहा है अब आपसे पूछ रहा है ये इकतीसवां पद निकाल दे इधर ही लिखते कोई दिक्कत नहीं पेज है नहीं उधर इधर ही लिख लेते हैं हमें ए इकतीस निकालना है ठीक यहाँ पे फिर एन की जगह इकतीस रख दो ए प्लस इकतीस माइनस वन इंटू डी एन की जगह हमने इकतीस रख दिया और कुछ नहीं जब ए इकतीस निकालोगे तो ए इकतीस बराबर हो गया A plus 31 minus 1, 30 into D. अब हमें पद तो करना है ए और डी आपके पास दोनों चीजें रख दो ए और डी की वैल्यू ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू माइनस का बत्तीस और डी की वैल्यू क्या है पीछे निकाली थी सात सॉल्व कर लो इसे ए इकतीस बराबर हो गया माइनस का बत्तीस सात दूना हो गया चौदह और सात तरीक हो गया इक्कीस एक बाईस दो सौ चौबीस दो सौ चौबीस से बत्तीस माइनस कर दो भाई एक इकतीस बराबर हो गया चार में से दो गए दो बारह में से फिर यहाँ से दो में से तीन जाएगा नहीं बारह में से तीन गए नौ तीन बारह नौ और ये बच्चा है, एक एक सौ बानवे और वो भी प्लस का तो ए इकतीस कितना है एक सौ बानवे ये आ गया हमारे पास कौन सा पद इकतीसवां पद इकतीसवां पद, 31 पद जब तक ए और डी हम लोग नहीं निकालते ए इकतीस हम लोग नहीं निकाल सकते थे तो उसका तरीका यही था कि जो ये दो चीज़ें दी गई थी ये दो चीज़ें जो हमें दी गई थी इसी के उपयोग से हमें ए और डी निकालना था ये दो चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ों का उपयोग करना आप सीख गए तो आप ए और डी निकाल लोगे ए डी निकाल लोगे फिर ये फार्मूला आपको पता ही है कि ए प्लस एन माइनस वन इन डी इस फार्मूले में सारी चीज़ें रख के आप ए इकतीस आराम से निकाल सकते हो कोई समस्या नहीं होगी सबको समझ में आया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे कंफर्म है मिलेंगे कोई शक की बात नहीं है क्वेश्चन आसान है बस यही यही जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसी पैटर्न पर मिलेंगे यही फिक्स पैटर्न है कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते यही जो चार पांच छह टाइप के क्वेश्चन है यही मैं जो करा रहा हूं इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ठीक है ये बात क्लियर हुई सभी को चले आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कह रहा है दस और दो सौ पचास के बीच में चार के कितने गुणज है ये बताना है अच्छा पहले बात समझते हैं कि चार के गुणज का मतलब क्या है चार के गुणज का मतलब है जैसे चार आठ बारह सोलह बीस जैसे चार के गुणज का मतलब चार से जो भाज्य हो चार से जिसमें भाग चला जाता हो या चार का आप सीधा वो लिख दो टेबल चार दो चार दून आठ बारह सोलह बीस चौबीस आप चार का टेबल लिख दो तो ये सब चार के गुणज है चार आठ में भी चला जाएगा बारह में भी चला जाएगा सोलह में भी बीस में भी चौबीस में भी अट्ठाईस में भी तो चार के सारे क्या है गुणज है चार के गुणज होना या चार से भाज्य होना दोनों बातों का मतलब एक ही है कि चार से चाहे उसमें गुणज बोल दो उनके मल्टीपल है या बोल दो कि चार से वो भाज्य कि चार से उसमें भाग्य चला जाता है तो हमें किसकी बात करना है सौ से दो सौ पचास के बीच में तो सौ ए दस से दो सौ पचास के बीच में दस से दो सौ पचास मतलब कि ग्यारह बारह तेरह डैश 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 दो सौ उनचास तक यही तो संख्याएं होंगी दस से दो के बीच में यही संख्याएं होंगी पहले ग्यारह आएगा फिर बारह फिर तेरह ऐसे लास्ट में दो आएगा क्योंकि बीच की कही गई वो दोनों नहीं लेनी है तो अगर हम इसमें श्रेणी बनाए इसके लिए समांतर श्रेणी तो कैसे समांतर श्रेणी बन सकती है सर पहली संख्या चार से जो विभाजित होगी वो बारह होगी समांतर श्रेणी क्या जैसे हमें वो देखना है कि चार के कितने गुणज हैं तो चार में पहला गुणज कौन मिलेगा जो चार से गुणज मिलेगा मतलब चार से भाग होगा तो पहले तो बारह मिलेगा फिर आगे यहीं पर कहीं सोलह मिल जाएगा फिर आगे पहले क्या मिलेगा बारह ठीक फिर सोलह मिल जाएगा फिर क्या मिलेगा फिर हमारे पास बीस आ जाएगा फिर चौबीस आ जाएगा ऐसे डे -डे मिलते चले जाएंगे अंतिम पद कौन सा मिलेगा जैसे ये तो मिल जाएगा बारह सोलह बीस चौबीस आगे की तो पता चल गया कि बारह के बाद हमें पता है कि बारह होगा पहले सबसे पहले ग्यारह के क्योंकि ग्यारह तो विभाजित है नहीं चार से बारह ही होगा तेरह भी नहीं है चौदह भी नहीं है पंद्रह भी नहीं सोलह होगा सत्रह अठारह उन्नीस भी नहीं बीस नहीं होगा तो ऐसे दो तो चार से विभाजित नहीं है चार छ चौबीस नौ में चार से भाग नहीं जाएगा लेकिन इससे पहले कहीं दो होगा इससे जस्ट पहले और दो लास्ट में विभाज्य तो अंतिम पद क्या हो जाएगा दो चार आठ ये हो जाएगी हमारे पास एक्चुअल श्रेणी जो चार से विभाजित होगी बारह सोलह बीस चौबीस और लास्ट में दो सौ अड़तालीस क्योंकि दो सौ उनचास जो अंतिम पद है वो चार से विभाजित नहीं और हमें चार के गुणज लेने ले हैं ठीक है तो अब मैं श्रेणी लिख रहा हूं श्रेणी हमारे पास क्या होगी बारह सोलह बीस चौबीस डैश 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 अंतिम पद क्या होगा दो सौ अड़तालीस यहाँ तक बात क्लियर ये मैं हटा दे रहा हूँ रफ का वर्ग था कुछ नहीं समझाना था कि चार से कौन से गुणज क्या है चार के गुणज का मतलब चार के मल्टीपल होंगे जो चार से जिसमें भाग चला जाता है सीधी सी दीसी बात ये और ग्यारह से दो सौ उनचास संख्याएं होंगी दस से दो सौ पचास के बीच में इसमें बारह पहले विभाजित होगा चार से फिर सोलह होगा फिर बीस फिर चौबीस लास्ट में दो सौ अड़तालीस होगा दो सौ उनचास चार से विभाजित नहीं है ये बात होगी आप चलते हैं आगे अब बात करते हैं इसमें अब इससे क्या है सोलह पद बारह प्रथम पद तो बारह है पहला पद बारह है और डी हमारे पास चार है अब क्या निकालना है हमें क्या निकालना है कितने पद होंगे कह रहा है कितने गुणज होंगे मतलब हमें पदों की संख्या चाहिए मतलब हमें एन निकालना है एन नहीं निकालना भाई इसमें क्या कह रहा है कितने पद कितने गुड़ज होंगे कितने गुड़ज मतलब कितने पद होंगे दो सौ अड़तालीस दो सौ अड़तालीस है या एनवा पद, तो एन तो एन पद जो है वो दो सो अड़तालीस एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन बराबर दो सौ अड़तालीस रख दो बारह एन तो निकालना ही है डी की वैल्यू क्या है चार बारह को इस साइड ले आओ दो सो अड़तालीस माइनस बारह ये हो गया फोर एन माइनस फोर ये हो गया कितना हो आठ में से दो चले गए ये बच्चा छ चार में से एक चला गया बच्चा तीन और बच्चा दो दो सो छस ये भी इधर ले आओ प्लस का चार बराबर फोर एन तो फोर एन बराबर आ गया दो सो चालीस तो एन बराबर आ गया दो सौ चालीस बटे चार चार छोबीस जीओ मतलब कि एन जो पदों की संख्या है इसमें वो कितनी है साठ है मतलब इसमें टोटल साठ पद जो है वो चार के गुणज होंगे समझ रहे जैसे पहला है बारह है फिर सोलह है फिर बीस है फिर चौबीस है फिर अट्ठाईस मिलेगा बत्तीस ऐसे जब दो सौ अड़तालीस तक पहुंचेंगे तो ऐसे साठ पद हमें मिल चुके होंगे जो चार के गुणज रह रहे होंगे यही बात यहाँ पर हमें निकालनी थी वो हमने आसानी से निकाल ली तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है जैसे यहाँ हमने मान लो चार का गुणज लिया अब क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं चार का गुणा जाएगा तो दो लिख दे तीन लिख दे कुछ भी लिख देता है तेरह डेड डेड डे दो सौ उनचास तक की संख्या है अगर वो तीन लिखता तो तीन से पहली विभाजित संख्या कौन है बारह फिर इसके बाद कौन मिलती पंद्रह फिर कौन मिलती पंद्रह के बाद अठारह अठारह के बाद हमें कौन मिलती इक्कीस

फिर से पैसे ही निकाल के आंसर निकाल देंगे कि कितने तीन से विभाजित पद होंगे तो ये चीज हमें याद रखना है हमें देखो क्वेश्चन रटना नहीं हमें सीख लेना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ठीक है ये रटने से नहीं होगा आप आराम से सीख लो कैसे होगा अगर तीन लिखा होगा तो कैसे होगा ठीक है चले अगले क्वेश्चन पे अगली चीज की बात करते हैं अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी के अगले क्वेश्चन के बारे में एक एपी दे रखी है दस सात चार डेढ़ डेढ़ डे माइनस बासठ का अंतिम पद प्रथम पद की ओर ग्यारवा पद ज्ञात कीजिए बढ़िया क्वेश्चन है आसान नहीं है क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना है क्वेश्चन में देखो क्या दिखा? एक एपी दिखाई तो दी दस सात चार डेड माइनस का इस बासठ का, का पद से अंतिम पद से प्रथम पद की ओर मतलब अंतिम पद से प्रथम पद की ओर जो पद है, वो ज्ञात करो अभी तक जो हम फार्मूला लगा रहे हैं वो इधर से लगाते हैं जो हम बराबर फार्मूला लगाते हैं ना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन जब निकालते हैं एनवा दस पद दसवां निकालना है तो इधर से निकालते हैं निकालना है इधर से निकालते हैं हैं क्योंकि ये लेते डी यहां से निकालते हैं या कहीं से भी डी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं प्रथम पद हम ये लेते हैं तो हमेशा हम आगे से देखते हैं इस बार इसने क्वेश्चन में कहा कि पीछे से आप ग्यारहवा पद बताओ यहां पे क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि अंत से ग्यारहवां पद बताओ इस श्रेणी का अंत से ग्यारहवा पद क्या होगा वही बात लिखिए अंतिम पद से प्रथम पद की ओर ग्यारहवां पद बताओ तो अंतिम पद से प्रथम पद की ओर हमें ग्यारहवां पद बताना है कभी लिख देगा कि अंत से ग्यारं पद बताओ अंत से पंद्रवा पद बताओ तो हमें अंतिम पद से पीछे से बताना है अभी तक जो फार्मूला ये लगाते हैं ना ये हमेशा आगे से चलता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं तुम्हें फार्मूला नहीं याद कराऊंगा इसका एक 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 वैसे फार्मूला फार्मूला भी होता है लेकिन ज़्यादा हो जाएंगे आप सीधे हम चीज़ बता रहे हैं। उसी से कर पहले लिख दू। कैसे लिख दू? मैं दूसरे पेन से लिखता हूं ये। इसको क्या करो उल्टी लिख दो पहले माइनस बासठ कौश कौश फिर क्या है चार फिर सात फिर दस पूरी श्रेणी रिवर्स कर दो पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। जो पहला था वो आखिरी में जो आखिरी था वो पहले में कर दो बस कुछ ना करो अब उसी क्रम से करो जैसे अभी तक कर रहे थे बस इस श्रेणी को जैसे उल्टा कर दिया काम आसान हो गया बस और कुछ नहीं करना जो लिखा हो उसको उल्टा करके लिख दो ये पहले लिख दो जो अंत में वो पहले जो पहले है उसको लास्ट में पहुंचा दो बस अब देखो ए क्या है अब ए क्या हो गया माइनस बासठ ए क्या होता है प्रथम पद माइनस बासठ डी सर कैसे निकाले डी तो सर अगला पद दिया नहीं गया यार बताया तो हर जगह पदों का अंतर समान होता है कोई जरूरी से निकाल लो आप यहां से निकाल दो क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान होता है क्योंकि हो, हर जगह पदों का अंतर समान होता है ए तो आ गया डी आ गया अब क्या निकालना है अब कोई भी पद कह दे फार्मूला वही है एन बराबर सर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इस बार सर ग्यारहवा पद निकालना है तो a plus n की जगह हम रख देंगे 11 1 d बस फार्मूला वही चलेगा अब a d बस बदल गया तो उसी अकॉर्डिंग डी तो वैसे भी सेम रहेगा a बदल गया केवल a 11 वां पद अगर हम निकालें a की वैल्यू है -62 ये हो गई सर 10 d की वैल्यू है 3 तो a 11 बराबर आ गया -62 3 10 मतलब कि आ गया माइनस का 32 यही आंसर है बस समझ गए सबेलो क्या करना है का आ, काम वही करना है फार्मूला हमें वही यूज करना है नया फार्मूला नहीं रटना चाहते यहाँ पर एक और फार्मूला नहीं बढ़ाना चाहते उसी फार्मूले से करना है बस एक छोटी सी चीज दिमाग में रखना कि जब भी आपसे अंत में पूछा है सर ने बताया था कि जब अंत से पूछ दे अगर प्रारंभ से ग्यारहवां पद पूछता तो हम इसको ऐसे ही आगे सॉल्व कर लेते ये काम करने की जरूरत नहीं थी ए दस होता डी तब भी तीन ही होता तब वैसे सॉल्व कर लेते लेकिन इस बार इसने अंतिम पद से प्रथम पद की ओर अंतिम पद से प्रथम पद की ओर ग्यारहवां पद पूछा

तो हमें पता ही नहीं है कैसे निकालना है मतलब बहुत सारे पद होंगे तो कैसे योग कर सकते दो चार दस पदों जोड़ ले डायरेक्ट लेकिन अगर बहुत सारे पदों का जोड़ना है एक से बीस तक के पद लिखे उनको जोड़ना है तो एक एक करके नहीं जोड़ेंगे इसका फार्मूला है हमारे पास क्या फार्मूला है एन पदों को योगफल को हम एस एन से लिखते हैं एस एन यही इसे एन अंतिम पद डिनोट करता था एस एन एन पदों के योगफल को डिनोट करता है एस एन ठीक एस एन बराबर फार्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये दूसरा फार्मूला अब आपके सामने आया पहला वही है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी दूसरा ये है एक तीसरा है बस दो ही तीन फार्मूले उसी से काम हो जाएगा ये हमारे पास होता है एन पदों के योगफल का फार्मूला एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एस एन क्या है एन पदों का योगफल बस एस एन के बारे में जान लो बाकी तो पता ही है ए वही है प्रथम पद d y s r अंतर n पदों की संख्या है अब इसी से बस दूसरा फार्मूला निकला है जो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कब सर ये वाला लगाएं कब ये लगाएं अभी क्लियर हो जाएगा कि कब क्या लगाना है जैसे इसी को हम क्या करें सेम चीज को हमने क्या किया sn n 2 इस 2a को हमने क्या किया इस 2a को हमने a ए a ए लिख लिया बस इस 2a को a ए a ए लिख सकते हैं a ए a ए जोड़ेंगे 2a हो जाएगा बाकी सब वैसे रहने दिया अब एक चीज बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली चीज है क्या अगर आप इसको देखो ये जो लिखा है इतनी चीज ये क्या लिखा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो हमारे पास लिखा है ये क्या लिखा है ये या अभी यार हमने फार्मूला पढ़ा है ना एन पद का एन पद का फार्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इन डी यही होता है ना ये एन ही तो लिखा है ये ए एन ही लिखा है तो बस ये हमारे पास क्या लिखा है ए एन और यही एक सेकेंड फार्मूला और निकल आता है एन पदों के योगफल का क्योंकि तो यहीं से ही एन हम बना सकते हैं जहां ए एन क्या होता है यनवा पद बोल दो या अंतिम पद बोल दो दोनों बातों का मतलब एक ही क्लियर तो कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है तुम्हें सीरीज लिखी जैसे यहां पर ये लास्ट वाला पद उसने लिख दिया लास्ट वाला पद मतलब कि अंतिम पद यनवा पद तो ये पद लिख दिया तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे अगर उसने नहीं लिखा है तो ये वाला लगा लेंगे कैसे मतलब कहीं कहीं किसी सीरीज में आ, कोई सीरीज ऐसी दो प्लस चार प्लस छैश डैश डैश कह दिया इसके बीस पदों का योगफल ज्ञात करो ये समांतर श्रेणी है बीस पदों का योगफल ज्ञात करो इस बार इसने अंतिम पद यहाँ नहीं लिखा है तो आप सीधे ये वाला फार्मूला लगा दोगे आंसर निकल आएगा डी भी निकल आएगा एन पदों की संख्या निकली आएगी क्योंकि बीस पदों का योगफल बोलना तो एन बीस हो जाएगा वैल्यू रख के आंसर निकाल देंगे इसी सेम क्वेश्चन में मान लो लास्ट में उसने लिख दिया चालीस ठीक कि यहीं पे कहीं पे लास्ट में चालीस है तब उसने कह दिया कि इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करो तो इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना हो हमें ए एन पता है डायरेक्टली चालीस है तो हम यहीं पर चालीस रख देंगे ना उसी से निकाल लेंगे क्यों हम ये वाला फार्मूला इससे लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा तो हम सीधे यहाँ पे एन हमें दिख रहा है कि ये चालीस इसने लिख दिया है तो ए एन ये हमें दे दिया है तो हम एन यहीं पर रख देंगे ए रख देंगे एन रख देंगे डी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी निकालना पड़ता इसको भी इसी क्वेश्चन से दोनों को कर सकते हैं दोनों सेम फार्मूले से कोई दिक्कत नहीं लेकिन कब लगाना ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट ये होती है कि थोड़ा टाइम बच जाता है का और कोई बात इसने कहा कि दो सात बारह इसका हमें योगफल ज्ञात करना है योगफल ज्ञात करना का मतलब क्या इसमें प्लस लगा लेते हैं बीच में इसका हमें योगफल ज्ञात करूंगा सात प्लस बारह प्लस डैश डैश कहां तक दस पदों तक निकालना है तो इस बार अंतिम पद तो इसने नहीं दिया है हमें सिर्फ तक दी, दी दस पद बता दिए तो पहला वाला फार्मूला लगा लेंगे A बराबर यहाँ पर क्या सात माइनस दो बराबर पांच एन पदों की संख्या कितनी है दस पदों तक निकालना है तो एन बराबर दस फार्मूला ही आपके पास क्या एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी रख दो फार्मूले में वैल्यू एस एन बराबर एन की वैल्यू कितनी है दस बटे दो टू ए की वैल्यू कितनी है दो एन माइनस वन दस माइनस वन और इन टू डी डी हमारे पास कितना है पांच सबकी वैल्यू रख दो आंसर निकल आएगा दो पंचे दस एस एन बराबर आ गया पांच ये हो गई चार ये हो गया दस में से गया नौ नौ पना पैतालीस तो एस एन बराबर हो गया पांच प्लस पैतालीस और चार हो गया उनचास मतलब हो गया नौ पा, पानवा पैतालीस और पान चौकू बीस और चार चौबीस दो सौ पैंतालीस मतलब कि इसके कितने पदों का योग दस पदों का लिख दो यहां पर क्योंकि हमने की जगह रखा है ना तो यहाँ पर एस टेन रख दो कि दस पदों का योगफल जो है एस टेन बराबर जो है वो हमारे पास दो सौ पैंतालीस है ये वाला फार्मूला क्यों लगाया क्योंकि अंतिम पद यहाँ पे नहीं था तो इस वजह से ये वाला फार्मूला लगा के आराम से कर लिया ठीक तो ये नहीं सोचना कि कब कौन सा लगाना है कंफ्यूज नहीं होना उसमें आराम से सॉल्व हो जाएगा ठीक है अगर अंतिम पद दिया हो तो ए एन रख दो ए को, एन को कहीं कहीं एल भी लिख देते हैं तो उसके लिए परेशान ना होना ठीक है तो यहां से इस प्रकार से करना है जो हमें एन पदों का योगफल ज्ञात करना है यहां दस पद थे तो दस अब अगला क्वेश्चन देखो इस बार इसने देखो यहां पर ए एन दे भी रखा है इस बार इसने ए डी डायरेक्ट दे रखा है कि ए बराबर पांच है और डी बराबर तीन है ए एन बराबर भी हमें दे रखा है कि पचास है हमसे कह रहा है कि एन निकाल लो मतलब एन मतलब पदों की संख्या और एन पदों का योगफल भी निकाल लो निकाल देते हैं ना एन वो हमें पहले एन निकाल लेते हैं कैसे निकलेगा एन बराबर फार्मूले से तो एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पहले तो ये फार्मूला यूज करके एन निकाल लो ए एन हमें पचास दे रखा है बराबर ए कितना दे रखा है पांच एन माइनस वन एन हमारे पास कितना है सर एन हमारे पास तो निकालना ही है डी हमारे पास कितना है तीन पांच को इधर ले आए तो पचास माइनस पांच थ्री एन माइनस थ्री थ्री एन माइनस थ्री कितना हो गया पैंतालीस और प्लस थ्री हो जाएगा इधर चलो पहले एक बार लिख देते एक स्टेप पैंतालीस बराबर थ्री एन माइनस थ्री थ्री को इधर ले आओ तो पैंतालीस प्लस थ्री बराबर थ्री एन तो थ्री एन बराबर आ गया अड़तालीस एन बराबर आ गया तीन एकम तीन तिछाक अठारह मतलब सोलह आ गया मतलब कि सोलह पदों जो हो गए सो सोलवा पद जो होगा वही पचास होगा या फिर आप एनवा पद हमारे पास दिया गया है पचास हाँ वही सोलह पद जो होगा वो हमारे पास कौन सा होगा पचास होने वाला है ठीक हमें एन ही निकालना था एन ने निकाल दिया सोलह एस एन हम निकालना है अब एस एन में हमें क्या जरूरत है कि हम वो वाला फार्मूला लगाएं जो हमारे पास ही हमें दिख रहा है कि ए एन हमारे पास दिया गया है क्या जरूरत है कि हम ये वाला फार्मूला लगाएं डी निकाल के रखें रखोगे उससे जो इससे आंसर आएगा वही इससे आएगा अगर आपको नहीं कभी कंफ्यूजन हो जाए ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए तो आप ये वाला फार्मूला लगाना चाहे कोई भी क्वेश्चन दे रखा सॉल्व हो जाएगा ये सिर्फ टाइम बचाएगा क्योंकि ए एन हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे दिया गया रख दो ए एन एस एन हमें निकालना है एन हमें पता है कितना है सोलह अभी पीछे निकाला बटे दो ए प्रथम पद हमें पता है पाँच एनवा पद हमें पता है पचास तो एस एन बराबर हो गया दो अट्ठी सोलह और पचास और पाँच हो गए पचपन एस एन बराबर हो गया अठिपन चालीस अठिपन चालीस और चार चौवालीस एन पदों का जो योगफल आ गया वो 440 आ गया ठीक है तो एन पदों एस एन जो हमारे पास है चार सौ चालीस और एन पद है कितने सोलह पद एक प्रकार से सोलह पदों का योगफल जो है वो 440 है लेकिन हमें एस निकाल दिया कोई दिक्कत नहीं एन वाला फार्मूला क्यों लगाया क्योंकि ए एन दिया गया अगर दिया ही नहीं गया होगा तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा अगर दिया जाए तो यही लगा दो तो गट से क्योंकि तो तुरंत आंसर आ जाएगा ठीक है क्लियर यही तीन फार्मूले याद रखने दो ये एक पीछे यही एक दो और एक वो लिखा तीन तीनों फार्मूले याद रखो बस आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कह नीचे दिए हुए योगफल योगफल का योगफलों को ज्ञात ज्ञात कीजिए नीचे दिया हुआ एक योगफल है इसको हमें करना है साथ दस सही एक बटे दो प्लस चौदह प्लस चौरासी तक दिया हुआ कोई नहीं लिख लेंगे पहले ए और डी तो चाहिए उसके बगैर योगफल कैसे निकाल सकते हैं इस बार थोड़ा गंदा सा ए डी आएगा क्योंकि ये सही बटे में दिया गया है देखते हैं क्या आएगा ए तो पहले लिख ही लू ए तो साथ है डी कैसे निकालेंगे इस वाले से इसको घटा लो तो दस सही एक बटे दो माइनस का सात इसको तो सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा दस दूना बीस एक इक्कीस बटे दो माइनस का सात तो डी बराबर कितना आ जाएगा ये हो जाएगा इक्कीस माइनस चौदह बटे दो तो आ जाएगा सात बटे दो तो डी तो सात बटे दो ए सात है और डी सात बटे दो बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटा के निकाल ए डी आ गया तो सब कुछ हम लोग निकाल लेंगे इस बार हमें ए एन भी पता है ये चौरासी तो काम करना पड़ेगा पहले हम N अगर निकाल ले, तो हम सीधे फार्मूला लगा लेंगे। कैसे कैसे निकलेगा? मतलब इसमें कितने पद हैं वो निकालने। पद वो निकलेंगे? वाले फार्मूले से, क्योंकि फार्मूलाइनसन इंटू डी दोनों फार्मूलों का यूज होना एक ही क्वेश्चन में तो एन बराबर तो है कि तो बटे दो चलो सॉल्व करते हैं कोई दिक्कत नहीं कोई ऑप्शन ही नहीं है करना ही पड़ेगा तो चौरासी एलसीएम ले लो सात दूना चौदह प्लस सेवन एन माइनस का वन माइनस का सेवन अपॉन टू टू से इधर गुणा कर दो दो चौकू आठ दो अट्ठी सोलह एक सौ अड़सठ ये हो गया सेवन एन माइनस से सेवन एन प्लस सेवन ठीक सात सीधा कॉमन लेके साथ कैंसिल कर दो तो, नात क्या पहले घटा ही लेते एक सौ अड़सठ माइनस सात बराबर सात सेवन एन तो ये हो गया एक सौ इकसठ बराबर सेवन एन एन बराबर एक सौ इकसठ बटे सात तो सात दुना चौदह बचा दो इक्कीस मतलब तेईस पद है एन हमने यहाँ पर निकाल लिया कि एन हमारे पास तेईस सिर्फ फार्मूले में वैल्यू रखी एन बाई टू जब सात बटे दो रखोग एल्सियम लेना पड़ेगा सात दूना चौदह और ये सात का अंदर गुणा हो गया सेवन एन माइनस सेवन दो नीचे आ गया दो का फिर इधर गुणा कर दिया गुणा करके आगे सॉल्व कर लिया ठीक है बात क्लियर है ना अब अब चलते हैं आगे, दिया गया एन हमने निकाल ही लिया एन निकालना जरूरी था क्या था तेईस तो तेईस बटे दो ए हमारे पास क्या है सात ए एन क्या है चौरासी दो से कोई ऑप्शन नहीं है पहले अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं एस एन बराबर बटे दो गुणे चौरासी चौरासी इक्यानवे बटे दो भाई सॉल्व भी करना पड़ेगा कोई ऑप्शन नहीं सॉल्व कर लेते भाई तेईस गुणे इक्यानवे वैसे होगा क्या ए, तीन दो नौ त्रिक सत्ताईस और नौ दूना चौदह दो सोलह तीन सात दो नौ और एक, ठीक सोलह तिरानवे तिरान, और नौना नौ अठारह होता है यार नौ दूना सोलह क्यों लिखा नौ दूना हो गया अठारह नौ तिर सत्ताईस था अठारह और दो हो गया बीस ठीक तो ये सात दो नौ हो गया जीरो दो तो ये आ गया हमारे पास बीस तिहत्तर बटे का दो यही इसका योग फल होगा भाई गंदा सा है कोई दिक्कत नहीं परेशान ना होना कि सर क्या ही आया है कोई नहीं जो आया है वही सही है ऐसा नहीं सोचना वही सही है ऐसन बराबर सीधे फार्मूला लगाओ फार्मूले में वैल्यू रख दो जो आ रहा है उल्टा सीधा लिख दो यही हम लोगों ने सही किया है विश्वास है हम लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं ऐसन बराबर क्या हो गया एसन बराबर हमारे पास बटे में वैसे भी बटे में कुछ आएगा देखो यहाँ पे भी श्रेणी भी सही बटे में दी गई है कुछ जोड़ेंगे तो भिन्न में ही कुछ बनेगा जाके

यही लगा देते तो डी की वैल्यू रखते ए भी रखते एन भी रखते सब चीजें रखते थोड़ा कैलकुलेशन और बढ़ जाती यहाँ पे सीधे ए एन रख के निकाल दो तो वो लगा दोगे तो भी आंसर सही आएगा ऐसा नहीं है कि आंसर सब नहीं आएगा आएगा लेकिन कब लगाना है थोड़ा हमें दिमाग में आना चाहिए ना कि यहाँ पे ए एन दिया गया तो हम थोड़ा स्मार्टली सोच सकें कि एन निकाल दू ठीक है चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है कह रहा है यदि किसी ए पी के प्रथम एन पदों का योग फोर एन माइनस एन स्क्वायर है बहुत से एपी के एन पदों का हमें यहां पर योग दे रखा है एस एन हमें यहां पर डायरेक्टली उसने दे रखा है क्या दे रखा है एस एन बराबर फोर एन माइनस का एन यह दे रखा है एस एन बराबर तो इसका प्रथम पद अर्थात एस वन क्या होगा एस वन हमें बताना है क्या क्या बताना है वो मैं लिख देता हूं एक तो एस वन बताना है ठीक प्रथम दो पदों का योग क्या होगा एस टू भी बताना प्रथम दो पद क्या होगा एस टू एस वन प्रथम पद का योग दो पदों का योग मतलब प्रथम दो पद तो ए वन ए टू दो पदों का योग करेंगे तो एस टू आ जाएगा दूसरा पद भी बताना है दूसरा पद क्या होगा ए टू भी बताना बहुत चीजें पूछ इसने। इसी प्रकार तीसरे दसवें तीसरा पद भी बताओ भाई दसवा पद भी बताओ और एनवा पद भी बताओ ए एन बहुत चीजें इसने पूछ रखी है सब निकल आएंगी भाई चार पांच छह पी चीजें उसने पूछ रखी है चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें ये दे क्या रखा है हमें ये एसएन दे रखा है क्या हम एस1 नहीं निकाल सकते अगर हम एन की जगह 1 रख देंगे तो एस1 डायरेक्टली आ जाएगा ये हमारे पास क्या है एनवा पद दे रखा है एन पदों का योगफल दे रखा है एनवा पद के एन पदों का योगफल दे रखा है तो अगर हम यहाँ पर एन बराबर 1 रखते हैं तो एस1 क्या आ जाएगा 4 गुणे 1 n² n² की जगह 1 का स्क्वायर करो भाई 1 का स्क्वायर तो एस वन बराबर आ गया चार माइनस वन बराबर तीन ये एस वन आ गया अच्छा एस वन का मतलब क्या है एस वन मतलब है एक पद का योगफल और एक पद का योगफल मतलब प्रथम पद जैसे मैंने कोई श्रेणी लिखी दो चार छह डेड डेड इसमें मैं बोलूं कि एक पद का योगफल बताओ एस वन बताओ एस वन क्या है प्रथम पद का योगफल ये तो यही प्रथम पद भी है ए भी है और यही इसी को हम एस भी बोल सकते हैं कि प्रथम पद का योगफल भी है क्योंकि उसमें क्या जुड़ा दो तो केवल दो अकेला है उसमें क्या जुड़ा तो दो का दो ही रहेगा और प्रथम पद भी होता है तो एक प्रकार से जो हमने पहला वाला पद तो एक प्रकार से हमने ये प्रथम पद भी निकाल लिया है अब एस टू अगर तुम्हें निकालना है तो आप एन की जगह टू रख दोगे जब एन बराबर टू रखोगे तो एस टू मिल जाएगा यहां पहले लिखते हैं बराबर टू एन बराबर टू मतलब क्या तो आ गया एस टू दो।, दो, दो, तो चार, चार आठ, दो, दो पदों का योगफल आ गया। अच्छा, का मतलब क्या होता है ये चार आ गया। का मतलब है, पहला पद ए वन और दूसरा पद ए टू का योगफल ये बराबर चार आ गया अगर a1 की वैल्यू देखे तो हम तीन निकाल चुके प्रथम है। है। तो तो लिख सकते A2 बराबर क्या जाएगा? चार माइनस तीन बराबर एक हमारे पास देखो क्या क्या आ गया देखो क्या क्या आ गया एस वन आ गया पहला पद प्रथम पद का योग वो तो ऐसे नहीं निकालना था एस टू भी आ गया एस टू हमारे पास दो पदों का योगफल होता है क्या होता है श्रेणी कोई लिखिए पहला पद है दूसरा पद है तीसरा पद है डैश 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 तो ये दो पदों का योगफल ये तीन पदों का योगफल तो एस टू क्या है प्रथम दो पदों का योगफल फल ए वन प्लस ए टू ए वन की वैल्यू यहां से उठा के रख दी तीन ए टू की वैल्यू आ गई तो ए टू भी आ गई अब हमें क्या निकालना है तीसरा दसवा पद और एन निकालना पहली चीज तो डी निकाल लो डी कैसे क्योंकि तो ए टू भी है आपके पास और ए वन भी है तो डी हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा क्योंकि तो ए टू माइनस ए वन प्रथम सेकेंड पद से पहले वाले पद को माइनस कर लेते हैं एक माइनस तीन एक माइनस तीन तो डी बराबर आ गया माइनस का दो सारंता जब आ जाएगा तो सब चीजें आसान हो जाएंगी अब आप एक काम करो डी आ गया आपके पास तो आप कोई भी पद निकाल सकते हो ए थ्री बी ए an बी एन पहले हम ए एन निकालते क्यों ए एन निकालते है? अभी क्लियर हो जाएगा ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्योंकि ए एन जब निकाल लोगे ना फिर एन की जगह तीन रख के तीसरा पद निकाल लोगे दस रख के दसवां पद निकाल लोगे कोई और पद पूछता पंद्रवा पूछ देता पंद्रह पद बीस पूछ देता बीस तो निकाल दो एन बराबर हो गया ए हमारे पास है प्रथम पद कितना है प्रथम पद कहां ये तीन हमारे पास निकालना है एन तो मान लो एन के पदों में तो आएगा ही डी हमारे पास क्या है डी हमारे पास माइनस दो है तो ए एन बराबर हमारे पास आ गया तीन और ये हो जाएगा माइनस का टू एन और माइनस माइनस प्लस का टू तो ए एन बराबर आ गया पांच माइनस टू एन ये।, ये आ गया एनवा पद अब आप कोई भी पद निकाल लो, ए एन आपके पास ही तीसरा पद चाहिए तो ए थ्री निकाल दो एन बराबर थ्री रख दो तो पांच माइनस दो गुणे तीन तो पांच माइनस माइनस का एक आपको ए फोर निकालना है ए फोर निकाल दो ए फोर कैसे निकलेगा ए फोर नहीं ए टेन निकालना है ए टेन निकाल दो एन की जगह टेन रख दो एन कहाँ पे है एन यहाँ पर है, ये वाला ये वाला इसमें की जगह रख दो दस तो कितना आ जाएगा। दस गुना बीस माइनस पांच करेंगे तो माइनस का पंद्रह माइनस एक और माइनस पंद्रह क्या हो जाएंगे तीसरे और दसवें पद हो जाएंगे एनोवा पद भी आ गया भाई सब कुछ निकाल लिया हम लोग काफी चीजें पूछी थी लेकिन चीजें आसान थी बस ये चीज समझ दी एक ही चीज थी इसी में एन के मान रख 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 के आगे मान निकाल ले थे ये चीज दे रखी थी प्रथम पद ये आ गया या एस वन भी आ गया एस टू यहाँ से आ गया या फिर इसे हम दो पदों का योगफल भी बोल सकते हो ए वन प्लस ए टू ए टू की वैल्यू भी आ गई है ठीक ए टू आ गया तो ए टू और ए वन से हमने डी निकाल लिया क्योंकि डी से ये होगा कि हम एनवा पद आराम से निकाल लेंगे और एनवा पद जब आपके पास आ जाएगा फिर कोई भी पोत पूछ दे चाहे तीसरा पूछे चाहे दसवां पूछे इस क्वेश्चन में वो तीसरा दसवां ना लिख के अठारहवां लिख देता सत्रवां लिख देता इकसठवाँ लिख देता इकतीसवां लिख देता, देता हम एन की जगह इकसठ इकतीस ग्यारह जो भी है सारी चीज़ें वैल्यू रख के आराम से निकालते रहते हैं जो भी उसका माने पूछता रहे हम निकालते रहेंगे रहेंगे सब निकाल निकाल देते जो जो वो पूछेगा तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन क्लियर इतना बहुत वैसे अन पदों के योगफल में एक और कर लेते हैं एक क्वेश्चन अच्छा और करते हैं फिर इसकी क्लास को फिनिश करेंगे टाइम भी हो रहा है काफी लंबी हो गई क्लास जरूर मुझे बताना किसने पूरी क्लास ध्यान से देखी है और पूरी क्लास एक साथ पूरी कवर की है बीच में गैप भी नहीं लिया है कौन इतनी देर बैठ सकता है अभी पेपर होएगा आप लोगों का तो आपको दो ढाई तीन घंटे पूरे लग के बैठने होंगे तभी आपको पेपर पूरा कर पाओगे जब आप लग के वहाँ बैठोगे तो यहाँ पे आपकी बैठने की भी परीक्षा होती है कि आप कितनी देर बैठ सकते हो पढ़ाई में लगातार कुछ कुछ लोग होते हैं ना दस मिनट पढ़ा पंद्रह मिनट भाई अब नहीं हो रहा हट जाओ थोड़ी देर हट गए फिर दूसरी चीज़ में चले गए तो वो भी परीक्षा होती है कि आप कितनी देर बैठ सकते हो तो बैठने की भी आपकी परीक्षा चलती रहती है जब भी वन शॉर्ट का आता है मैं लगातार पढ़ा रहा हूं आपको उसी बैठ के देखना है और समझना है मैं तो पढ़ा रहा हूँ बोल रहा हूँ टहल रहा हूं तो फिर शांति से आराम से पूरा लेक्चर जिसने भी देखा जरूर मुझे बताएगा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कह रहा है एक श्रेणी दी है कह रहा है चौबीस इक्कीस अठारह कह रहा है कि कितने पद लिए जाए कि ताकि योग अठहत्तर हो जाए कह रहा है इसमें हम कितने पद ले लें पदों की संख्या मतलब एन बताना है ये तो बात क्लियर हो गई कि योग अठहत्तर हो जाए हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एन पदों का योग है अगर हम ये मान लेंगे तो एन हम आराम से निकाल लेंगे हम मान लेते हैं कि एस एन अठहत्तर है अठहत्तर क्या है यन पदों का योगफल हमें एस एन बराबर मान लिया कि एस एन बराबर अठहत्तर है यही मान लो जैसे वो पूछ रहा था ना एनवा पद इतना है तो हम ए एन बराबर मान लेते हैं कि होगा ये फिर आगे सॉल्व करते थे ऐसे ही एन पदों का योगफल हमने मान लिया कि है 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 तो बराबर बराबर फार्मूला क्या होता है? एन, बाई टू, टू ए प्लस एन वन यही लगाना पड़ेगा क्योंकि तो अंतिम पद हमें ए एन तो कुछ पता नहीं है तो यही वाला लगाना पड़ेगा बराबर अठहत्तर अब ए और डी दोनों चीज चाहिए तो ए और डी निकाल लो यहां पर ए क्या है प्रथम पद चौबीस डी क्या है इक्कीस माइनस चौबीस मतलब माइनस का तीन वैल्यू रखो एन एन कहां पर है भाई एन तो निकालना ही है टू ए ए की वैल्यू क्या है चौबीस एन माइनस वन एन तो निकालना ही है डी हमारे पास क्या माइनस तीन बराबर अठहत्तर सोल्व करना पड़ेगा कोई चारा है नहीं ऑप्शन है नहीं कोई सॉल्व करो दो से उधर गुणा कर दो एन चौबीस दूना अड़तालीस इसको अंदर गुणा करो माइनस कथ्री एन और माइनस माइनस प्लस अड़तालीस का, का इधर दो ए अठत्तर में दो का गुणा होगा इधर दो को इधर भेज दिया है दो अट्ठी सोलह और दो सत्ती चौदह एक पंद्रह एक सौ छप्पन कहा और प्लस का फिर हो जाएगा थ्री एन बराबर एक सौ छप्पन ओहो अड़तालीस एन से थ्री एन कम जो है जुड़ जाएगा क्या जाएगा इक्यावन एन इक्यावन एन माइनस थ्री एन स्क्वायर और माइनस का एक सौ छप्पन इक्वल टू जीरो बन गया हमारे द्विघात है क्रम से लिखते हैं तो क्या बन जाएगा ये का है, हमने क्रम से लिख दिया पूरे से देखो तो थ्री कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन ले लो क्योंकि प्लस का हो जाएगा तो हम क्या करते हैं माइनस का थ्री कॉमन निकाल लेते कुछ आसान हो जाएगा पूरे से थ्री कॉमन आ रहा है माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो यहाँ तो एन स्क्वायर बचेगा ये प्लस है ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस हो जाएगा और ये हो इक्यावन कितना हो चौथी सत्रह इक्यावन सत्रह ठीक यहाँ से भी कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास तिरपटी पंद्रह ये प्लस हो जाएगा तिरपटी पंद्रह और तीन दून छवन इक्वल टू जीरो माइनस थ्री एन को जीरो में भेज दो तो एन स्क्वायर माइनस का सत्रह एन प्लस का बावन इक्वल टू जीरो ठीक ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया इसे सॉल्व करना पड़ेगा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हम पढ़ के आए द्विघात समीकरण पिछला वन लिया था स्क्वायर यहाँ से माइनस चार कॉमन लिया एन माइनस तेरा बराबर जीरो एन और एन माइनस चार बराबर जीरो एक बार एन माइनस तेरा बराबर जीरो कर दो तो खूब किया है एन माइनस चार बराबर जीरो कर दो। दिक्कत नहीं दो मान हो सकते हैं उसके लिए कंफ्यूज ना होना दोनों मान सही है दोनों आंसर राइट है आप एन के मान लिखने को आएंगे तो दोनों लिखोगे तेरह और चार इसके तेरह पद लोगे तो भी योग अठहत्तर होगा चार पद लोगे तो भी अठहत्तर होगा क्योंकि श्रेणी दिख रही घट रही है घटती है श्रेणी तो दो जगह कहीं ना कहीं होता है तो n बराबर क्या होगा 13 और चार दोनों n के मान सही है कि n बराबर यहाँ पर 13 और चार होगा ठीक है बस यही एक चीज लगनी थी कि sn बराबर जो दिया था ये हमें पता होना चाहिए कि ये 78 है हमने यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना माना है एक प्रकार से हमने कि माना sn बराबर हमारे पास 78 है sn का फार्मूला लगाओ एक द्विघात बनेगा उसे सॉल्व करो n के मान आ जाए वही वह n की वैल्यू ठीक है तो ये था आज हमारे पास समांतर श्रेणी का भाई वन शॉट ठीक है तो कैसा था समांतर श्रेणी का वन शॉट जरूर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे लास्ट में किसने पूरा देखा कमेंट करके बताओगे और अपने जो भी दोस्त आ रहे हैं उनके साथ क्लासेस को शेयर करते रहना जो भी आपके टेंथ के दोस्त हैं उनके जो भी आप ग्रुप्स में उनको शेयर करते रहना ताकि सभी को वन शॉट मिल सके और मैं प्रॉपर सारे ऐसे ही वन शॉट बनाऊंगा तो जैसा भी था आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे क्लास को लाइक कर लेना मिलते हैं अगली क्लास में टाटा बाय बाय